We'll start today's webinar. My name is Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and other societies also, and will benefit both the MC means managing committee members, and housing society members. Okay. It has very simple language, articles, draft of applications, video, webinar videos. हमने जितने भी पहले के webinar videos किए हुए हैं वो सब हमारे website में हमने upload किया हुआ है. आपके पास जब वक्त मिलता है आप उसे देख सकते हो, और भी हम ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे वक्त मिलेगा. वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड ए व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स वेर इन डिस्कशंस आर हेल्ड बाय मेंबर्स ऑन लीगलिटीज डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन सीएचएस. वी विल बी यूजिंग some sort of short form words. इसे CHS मतलब cooperative housing society, GP मतलब general body, general body का मतलब हो गया AGM हो गया, SGM हो गया, MC बोलेंगे तो managing committee हो गए वगैरह. Our group name is chshelpforum.com. Joining is only by invitation. Anybody wishing to join may send private WhatsApp to me on 9820174108. This number was already published before our start of this thing. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in very brief may be typed in the chat box, which will be answered first. वक्त रहते वन टू वन क्वेश्चंस भी हम लेंगे लास्ट में अगर हमारे समय रहा तो. जो क्वेश्चंस होंगे दैट शुड बी रिलेटेड ओनली टू टुडेज टॉपिक. वी आर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस व्हिच डज नॉट रिलेट टू टुडेज टॉपिक. फ्रेंड्स, यू माइट बी अवेयर that advocate Fatima Fauzdar, मतलब आज के हमारे स्पीकर, was the sole instrumental person for getting the AGM date extended up to 30th September 2022. उन्होंने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया, पर्सनली गए, बातचीत किया, एक्सप्लेन किया कि कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज तैयार नहीं है इस कोरोना काल में, तो डिफिकल्टीज हो रही है, ऑडिटर नहीं आ पा रहे हैं ऑडिट करने के लिए, एजीएम होना भी मुश्किल हो रहा है. तो एजीएम जब होगा तो ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट के परिबेस्ड ही होगा एजीएम. आपको अकाउंट्स पास करना होता है एजीएम में, दैट इज ए मैंडेटरी थिंग अंडर सेक्शन 75 ऑफ द एमसीएस एक्ट. तो एडवोकेट फातिमा फौजदार हैज मेड असर्टिव रिप्रेजेंटेशंस बिफोर द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हैज गिवन परमिशन to conduct the AGM, extended the date up to 31 March 2022. हमने अर्जी किया था 30 सितंबर तक के लिए, पर डिपार्टमेंट ने वो एक्सटेंशन 31 मार्च तक का दिया. फिर भी हमारे पास लगभग 6 महीने के आसपास है वो AGM का कंप्लायंस करने के लिए. Before I invite the speaker, I'll request all our friends to keep their microphones muted. It is causing disturbance to other members also. And since we are recording this thing for subsequent publication on YouTube, it causes disturbance in the video also. Now, on behalf of all our participant friends, I invite today's speaker, Advocate Fatima Fauzdar. She practices in Mumbai and Pune and deals in all type of criminal, civil
एंड कोऑपरेटिव मैटर्स। शी ऑल्सो डज रिट पिटिशंस इन हाई कोर्ट, ऑब्टेनिंग प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल, ड्राफ्टिंग ऑफ विल, गिफ्ट डीड एंड वेरियस अदर एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। टुडे शी विल शेयर हर नॉलेज ऑन वेरियस पॉसिबिलिटीज एंड लीगल रेमिडीज ऑन टुडेज टॉपिक, विच इज नॉमिनी राइट्स, ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसके कानून क्या हैं और उसके बेसिक टू बेसिक प्रोसीजर्स क्या अपनाने पड़ते हैं नॉमिनी को भी और सोसाइटी को भी। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अवर पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स, वी वेलकम फातिमा मैम एंड रिक्वेस्ट टू शेयर अ नॉलेज विथ ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू फातिमा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेलकम एवरीबडी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव नॉट बीन ऑन द फोरम ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी बैक अगेन अमंग्स एवरीबडी, स्पेशली द विथ हेमंत सर हु हैज इमेंस नॉलेज इन द सब्जेक्ट। In fact, I should say comparatively to his knowledge, I am still a student in all the other matters. His experience and his knowledge in any subject regarding the cooperative matters is immense and really worth appreciating. Thank you, Hemant sir. And friends, today's topic would be a nomination in a housing society. I'll try to make it brief and crisp, so that we have more time for the question answer sessions. So let us begin. Now, nomination in a cooperative housing society is subject to the cooperative societies, and this is limited to the Maharashtra state jurisdiction only. We are talking about the state of Maharashtra and the cooperative society and its rules and bylaws within the jurisdiction of the state of Maharashtra. And referring to section 30, read with rule 25, read with the model bylaws number 32 to 37 under the Maharashtra Cooperative Societies Act and rules. Now this is related to, the nomination is related to the tenant ownership type housing societies registered under section 2 in bracket 16, read with rule 10 subsection 5 and A. Okay. Now, the key points that we need to understand in the nomination process is फातिमा मैम, वन मोमेंट। हमारे फ्रेंड्स यहाँ जी पे सारे फ्रेंड्स को शायद अंग्रेजी ठीक से समझ में ना आए, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को कॉम्बिनेशन में बोले तो लोग पीपल विल बी मोहम्मद, बेनिफिटेड मोर। मैम थैंक यू। मैम थैंक यू वेरी मच सर, हेमंत सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई अंडरस्टैंड सर, मे बी आप ही की ओके तरह साधारण आदमी। प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड, थैंक यू फॉर रिमाइंड। नहीं सर, हम थोड़ा, आई अंडरस्टैंड सर, आई विल जस्ट टेक इट अप राइट अवे। ओके, सो आई एक शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है नॉमिनेशन के सिलसिले में, विच विल मैम थोड़ा सा बी आपका लिमिटेड कैमरा टू भी एडजस्ट महाराष्ट्र कर, स्टेट के लिए है, जहाँ महाराष्ट्र मैम स्टेट आपका कैमरा भी में स्लाइटली एडजस्ट कर कोऑपरेटिव हाउस। लीजिए। आपका कैमरा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ओके स्लाइटली एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा और। योर कैमरा फातिमा मैम, अब ठीक है सर, थोड़ा सा और अब ऊपर ठीक कर है सर, लीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। कनेक्टिविटी का भी इश्यू है यस हमको। हाँ थोड़ा सा, हाँ करेक्ट है। ओके मैम प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैम। अब ठीक है सर, जस्ट अ मोमेंट, आई विल जस्ट ओके मेक इट यस लिटिल मोर। यस ओके सर, अब ठीक है। ओके यस मैडम, आई विल बी ऑब्लाइज मैडम, हिंदी और प्लस तो इंग्लिश में दिस अगर आप बोलेंगे तो। ओके जी सर जरूर। थैंक यू मैम, गो अहेड तो प्लीज। फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ऑलरेडी इंग्लिश में तो हमने बता दिया है, थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं हिंदी में कि नॉमिनेशन जो है ये प्रोसेस महाराष्ट्र स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है उसको लेके आज की हमारी टॉपिक है।
एंड सेक्शंस आपको बता देते हैं, सेक्शन 30 उसको रूल 25 के साथ रीड करना है, और मॉडल बायलॉज नंबर हो गए 32 टू 37, एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स और रूल के अंतर्गत ये सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस आते हैं, और ये एप्लीकेबल है टेनेंट ओनरशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए ओनली. दैट वुड बी सेक्शन 2 16 रेड विथ रूल 10 सब सेक्शन 5A. अभी इसमें कुछ थोड़े बहुत की पॉइंट्स है देर, जो की पॉइंट्स है वो है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अ टाइटल ओनर, कैन नॉट बी सोल्ड और रेंटेड, एलियनेटेड और ट्रांसफर्ड और वॉट एवर ऑन द बेसिस ऑफ एनी नॉमिनेशन फॉर्म. इसका मतलब है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कोई फ्लैट, किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग नॉमिनेशन के बेसिस पे ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. नॉमिनेशन फॉर्म एक खाली एक फॉर्मेलिटी है सोसाइटी के, अगर हम लोग देखा जाए तो इसका कोई रोल प्ले फ्लैट के पोजेशन में, ओनरशिप में, या सेल करने में, या गिफ्ट डीड में, कहीं पर भी इसका इम्पोर्टेंस नहीं आता है. ओके. और नॉमिनी को कोई लीगल राइट नहीं होता है टू सेल, बाय, रेंट और लीज और ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज. फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्लैट ओनर अब नहीं रहे और कोई उसके अंदर नॉमिनेशन ऑलरेडी सोसाइटी को दिया हुआ है, तो द नॉमिनी हैज नो राइट टू सेल इट, रेंट इट, ट्रांसफर इट और डू एनीथिंग विद दैट प्रॉपर्टी अंडर हिज डेजिग्नेशन एज अ नॉमिनी. उसका रोल प्ले एक्चुअली एक ट्रस्टी का होता है. ट्रस्टी कौन होता है? जो सिर्फ देख रेख करता है. देख रेख का मतलब है कि ही विल ओनली टेक केयर टू एंश्योर कि जो प्रॉपर्टी एक्चुअल लीगल है कौन है, उसके उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, या कोई और है, या कोई विल है जो डिसीज्ड एज अ टेस्टेटर बना के गए हैं. तो ये सारी भागदौड़ नॉमिनी को करना पड़ता है टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी गोज इन द राइट हैंड्स. That is the only role play of a nominee, which has to be carried out with due responsibility and trust. Okay? अभी हम देखते हैं, nomination form एक testamentary document नहीं है. मतलब कोई लोग क्या सोचते हैं कि nomination form ही will होता है, but it is not like that. Nomination form is not a testamentary document and cannot be taken as the last testamentary will of wish of the deceased. Irrespective of any criteria, मतलब कोई भी हो वो ये नहीं कह सकता है कि ये जो नॉमिनेशन है यही विल है, इसको ही आप एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की तरफ ट्रीट कीजिए और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे आप आगे की कार्रवाई प्रोसेस कीजिए. सोसाइटी को भी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते. अगर सोसाइटी इस फॉर्म के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है तो दैट विल बी अ क्रिमिनल फ्रॉड एंड फॉर्जरी. अब ये थोड़े बहुत है की पॉइंट्स है जो हम लोग को पहले तो समझना चाहिए नॉमिनेशन को लेके, बिफोर वी गो इन टू द लीगैलिटी. मतलब लीगल पॉइंट समझने के पहले कुछ कुछ जो की पॉइंट है वो हमने पहले बता दिया. अब हमको देखना है कि हु कैन बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. पहले तो सोसाइटी का मेंबर कौन हो सकता है? ओनली द पर्सन हु हैज द टाइटल डीड, यानी जिसके पास जो ओनरशिप है, जिसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है, वही इंसान एज अ मेंबर कैन बी एडमिटेड टू द सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी. दैट इज इन अ टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी. टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी मीन्स वेयर दैट फ्लैट कैन बी रेंटेड आउट ऑन अ टेनेंसी बेसिस. अब ड्यूली एडमिटेड मेंबर मीन्स के जो सोसाइटी जब मेंबर को एडमिट करती है, ओनली वेन ही हैज अ टाइटल ओनरशिप ऑफ द फ्लैट, डॉक्यूमेंट विच हैज अ रजिस्टर सेल डीड और गिफ्ट डी और अ कोर्ट डिक्री. मतलब अगर सपोज कोई कोर्ट डिक्री है किसी इंसान के पास रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लैट, ओनली देन दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ पर्सन हु कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी. अ नॉमिनी कैन नॉट बी अ टाइटल ओनर एंड कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. कभी भी नहीं हो सकते. इन अ टेनेंट ओनरशिप टाइप सोसाइटी, जब पर्सन जिसका नाम परचेज अग्रीमेंट में लिखा होता है एज द सोल ज्वाइंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओनली उसी के नाम पे भी शेयर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 219
ए एंड बी रेड विद सेक्शन 227 सॉरी सबसेक्शन 2 और जिसका नाम आई और जे रजिस्टर में और शेयर रजिस्टर में सोसाइटी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, बस वही प्रोसीजर हम लोग लॉ के हिसाब से फॉलो करेंगे। अभी टाइप ऑफ मेंबरशिप, सोसाइटी में टाइप ऑफ मेंबरशिप क्या होती है? एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है, एसोसिएट मेंबर होता है, नॉमिनल मेंबर होता है और एक्टिव मेंबर होता है। तो ये चार, एक पहले भी एक सिंपथाइजर मेंबर हुआ करता था लेकिन अभी वो रिपील हो गया है, अभी वो बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो हमारा के पास चार टाइप ऑफ मेंबरशिप है, ऑर्डिनरी मेंबरशिप दैट इज प्राइमरी मेंबरशिप, एसोसिएट मेंबर, नॉमिनल मेंबर और एक्टिव मेंबर। ऑर्डिनरी मेंबर मींस द फर्स्ट मेंबर जिसके नाम पे टाइटल है, यानी कि जो फ्लैट ओनर। एसोसिएट मेंबर मीन द सेकेंड टाइटल ओनर हु हैज जॉइंटली और ड्यूली परचेस्ड अ फ्लैट अलॉन्ग विद द फर्स्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए और मिसेज बी, मिस्टर मिसेज ए एंड मिसेज ए, मिस्टर ए एंड मिसेज बी ए ने खरीदा है, तो ये दोनों एक फ्लैट ओनर विल बी द मेन मेंबर एंड हिज वाइफ विल बी द एसोसिएट मेंबर। फिर नॉमिनल मेंबर, नॉमिनल मेंबर के ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं बिकॉज दैट इज टूडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन। अभी मेंबर बनते हैं एक्टिव मेंबर, है वो मेंबर है जो टेनेंट का टेनेंसी ओनरशिप सोसाइटी में एक फ्लैट ओनर है, वो मेंबर हमेशा ही एक्टिव मेंबर रहता है फ्रॉम द डेट ही हैज परचेज द प्रॉपर्टी बिकॉज ही समवे और द अदर ही इज एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस और अदर चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, तो वो हो जाते हैं एक्टिव मेंबर। अब हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है हम लोग का आज का डिस्कशन का, दैट इज नॉमिनल मेंबर। ओके, नाउ हु इज अ नॉमिनल मेंबर? नॉमिनल मेंबर हैज बीन नॉमिनेटेड वाया प्रिस्क्राइब मॉडल बाय लॉ। एक फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 40, ये फॉर्म हम लोग जब भरते हैं, ओके, और जस्ट अ मोमेंट, फॉर्म नंबर 11 और 27 अंडर द लीज लीव लाइसेंस टेनेंसी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कोऑपरेटिव ज्यूरिस बॉडी, नॉमिनल मेंबर हैज नो प्रिविलेजेस एंड राइट्स एज ग्रांटेड टू अ रजिस्टर्ड मेंबर। मतलब नॉमिनल मेंबर के राइट्स लिमिटेड होते हैं, जो राइट एक ओनर को होता है वो राइट नॉमिनल मेंबर को नहीं होगा। नॉमिनल मेंबर कभी भी टाइटल ओनर नहीं होगा, राइट्स ऑफ ओनरशिप उसके पास कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो नॉमिनल मेंबर है और ना ही वो रजिस्टर्ड ओनर रहेगा टाइटल डीड के ऊपर। देयर आर मेनी डिटेल्स अबाउट नॉमिनी, हु कैन बी अ नॉमिनी, हु कैन नॉट बी अ नॉमिनी, तो हम लोग ये सब इंटीग्रिटीज में नहीं जाएंगे। बेसिकली नॉमिनी का क्या रोल प्ले है सोसाइटी में, उसका सोसाइटी के ओनर के साथ उसके क्या ऐसा एसोसिएशन होता है जिससे वो सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत होता है एज अ लीगल लीगल एंटिटी ऑफ द टाइटल ओनर, वो हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान देंगे ना। हु कैन बी नॉमिनेटेड और हु कैन बी अ नॉमिनी, एनी बोनाफाइड इंडियन सिटीजन कैन बी नॉमिनेटेड बट ओनली बाय द टाइटल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब नॉमिनी कोई भी हो सकता है लेकिन अपॉइंट कौन करेगा उसको, जो फ्लैट ओनर है। अगर ए फ्लैट ओनर है तो ए को ही राइट होगा कि वो नॉमिनी अटेंड करे। सोसाइटी ऐसे नहीं बोल सकती है कि भाई हम लोग तुम्हारे लिए नॉमिनी अटेंड अपॉइंट करेंगे, ऐसे नहीं होता, फ्लैट ओनर ही नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। अ लीगल एयर बेनिफिशियरी कैन बी नॉमिनेटेड, मतलब जो सपोज ए का फ्लैट है वो उसके लड़के को नॉमिनी बना के जो लीगल एयर भी है और बेनिफिशियरी भी है उसका, क्लास वन एयर होने के नाते उसको भी नॉमिनी बना सकते हैं। देन अ नॉन इंडिविजुअल पर्सन मींस अ रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी और अ ज्यूरिस पर्सन। फॉर एग्जांपल कोई लीगल एंटिटी है, कोई लीगल फर्म है, उसको भी वो फ्लैट ओनर एक नॉमिनी बना सकता है टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज एज असाइन टू हिम बाय द फ्लैट ओनर। अ minor or a physically disabled person can also be nominated, but that would be provided under the, it would be have to be assisted by a guardian. If it is a minor, there will be a guardian also that will be appointed with the minor to carry out this duty. Any person who is walking on the road or any layman person can be appointed as a nominee if the flat owner thinks
कि ये बंदा मेरा नॉमिनी बनने के लिए बरोबर है, मेरे राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्ट कर सकता है, और आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, एनी पर्सन कैन बी मेड अ नॉमिनी. नाउ हु कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन नॉमिनी नहीं हो सकता है. डिसीज पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, मतलब सपोज ए का फ्लैट है तो वो अपने पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे कैन नॉट बी मेड एज अ नॉमिनी, ओके, जस्ट बिकॉज देवर हिज पेरेंट्स. अ नॉन इंडियन सिटीजन जैसे NRI है जो फॉरेन में रहता है कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, एंड अ नॉमिनी कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ, मतलब अगर ए ने नॉमिनी बनाया है तो ए नॉमिनी और किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता है. अब आते हैं सोसाइटी के रोल प्ले पे. सो व्हेन कैन सोसाइटी रजिस्टर अ नॉमिनेशन फॉर्म? सोसाइटी हैज टू कंपल्सरीली एंड मैंडेटरी रजिस्टर अ ड्यूली एलिजिबल एंड लेजिबल नॉमिनेशन फॉर्म व्हेन रिसीव फ्रॉम अ लिविंग इंडिविजुअल पर्सन. मतलब लिविंग इंडिविजुअल पर्सन मीन्स अ क्लियर टाइटल ओनर पर्सन जिसके पास वो नॉमिनेशन फॉर्म ले सकते हैं, एंड ही शुड बी अ बोनाफाइड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी कैन नॉट रजिस्टर अ नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव फ्रॉम एनीबडी आफ्टर द डिमाइज ऑफ द मेंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए फ्लैट ओनर है और ए अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका कोई रिलेटिव ले जाके सोसाइटी को नॉमिनेशन फॉर्म कि बाबा देखो ये नॉमिनेशन फॉर्म ए ने हमको दिया था, ये अभी आप रख लो, नहीं, ऐसा सोसाइटी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और इट इज इलीगल टू एक्सेप्ट सच फॉर्म्स. सोसाइटी कैनॉट रजिस्टर द नॉमिनेशन फ्रॉम रिसीव फ्रॉम अ नॉमिनी इवन इफ द नॉमिनी इज अ लीगल हेयर और अ बेनिफिशियरी. नाउ सपोज ए ने अपने लड़के को नॉमिनेशन किया है और लड़का क्या करता है, उसके फ्रेंड को नॉमिनेट कर देता है, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मेरे फ्रेंड को नॉमिनेट करता हूँ, वो नहीं कर सकता है. ही हैज टू एग्जीक्यूट द रोल एंड टास्क गिवन टू हिम बाय हिज फादर हु इज द फ्लैट ओनर हिमसेल्फ ओनली. ही कैन नॉट री नॉमिनेट समबडी एल्स. इट वुड बी अ कलेक्टिव क्रिमिनल ऑफेंस बाय ऑल द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स इफ द सोसाइटी रजिस्टर्स एंड फर्दर ट्रांसफर्स मेंबरशिप ऑन एनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट गिवन बाय द नॉमिनी. अगर नॉमिनी जाके कोई भी डॉक्यूमेंट देता है सोसाइटी को और बोलता है कि ये आप दो, इसका ट्रांसफर कर दो, ये इसके नाम पे कर दो, तो अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करके कुछ भी करता है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड दे वुड बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन. और इवन इफ द मैनेजिंग कमिटी प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू अ नॉमिनी फॉर चेंज ऑफ नेम और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर, गैस मीटर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतलब अगर सोसाइटी ने नॉमिनी को कोई NOC भी इशू किया विदाउट द नॉलेज ऑफ द फ्लैट ओनर हु हैज अपॉइंटेड द नॉमिनी, इट वुड बी अ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. अब मॉडल बायलॉज में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कैसे नॉमिनेशन फॉर्म को प्रोसेस करते. पहले तो क्या करना चाहिए कि सोसाइटी को कि 3 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स बायलॉज के अंदर फॉर्म नंबर 14 ड्यूली फिल्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेंबर. तो 3 कॉपी ऑफ द फॉर्म फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द फ्लैट और द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो फॉर्म नंबर 14 भरना है. ड्यूली एक्सप्रेस सोसाइटी सेक्रेटरी मैनेजर एक्नोलेजेस रिसीप्ट ऑफ द फर्स्ट 2 नॉमिनेशन फॉर्म्स ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट एंड रिटर्न्स बैक द 3rd ट्रिप्लीकेट फॉर्म टू द आफ्टर फिक्सिंग द सोसाइटीज रबर स्टैम्प डेट मैनेजर का सिग्नेचर लेके वो 3rd कॉपी वापस रजिस्टर्ड ओनर को दे देते हैं और 2 कॉपी अपने पास रखते हैं. तो क्या होता है 3 फॉर्म भरने हैं, 3 कॉपीज भरने हैं फॉर्म नंबर 14 के ट्रिप्लीकेट में, और वो तीनों फॉर्म ले जाके सोसाइटी के ऑफिस में सेक्रेटरी या मैनेजर को हैंड ओवर करना है. सेक्रेटरी क्या करेगा, 2 फॉर्म रिटेन करेगा, 1 फॉर्म पे अपना अटेस्ट एक्नॉलेजमेंट देके वो वापस रजिस्टर्ड मेंबर को रिटर्न करेगा. फिर नेक्स्ट मैंडेटरी जो मैनेजिंग कमिटी मीटिंग होगी, द सेक्रेटरी और कमिटी मेंबर्स मस्ट डेलिब्रेटली चेक द नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एनी रेगुलरिटीज एंड देन अप्रूव एंड रिकॉर्ड द नॉमिनेशन फॉर्म इन द मैनेजिंग कमिटी मिनट बुक. उसके बाद सोसाइटी क्या करेगा, जब मीटिंग होगा उसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म को उठाएगा,
उसको स्टडी करेगा कि इट इज एक्यूरेट इन एवरी वे, देर इज नो डिस्क्रिपेंसी, और उसके बाद उसको नॉमिनेशन फॉर्म को कमिटी की मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद 7 दिनों के अंदर बेस्ड ऑन द अप्रूवल रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड इन द मीटिंग इन द मैंडेटरी नॉमिनल रजिस्ट्रेशन और सीरियल नंबर वगैरह उसके ऊपर अपडेट करने के बाद सेक्रेटरी का साइन, सोसाइटी का रबर स्टैम्प होने के बाद, उसके बाद ये एंट्री होगा नॉमिनेशन रजिस्टर में भी। इसका एंट्री होना बहुत जरूरी है। मैनेजर इज नॉट अलाउड टू साइन और परमिटेड टू साइन ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म। अभी सीरियल नंबर एंड कंटिन्यूइंग यूनिक सीरियल नंबर ऑफ द नॉमिनेशन रजिस्टर इज, अगर देर इज एनी मैनिपुलेशन, ये जो नंबर्स होते हैं सीरियल होते हैं 1, 2, 3 में, जैसे जैसे नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं वैसे वैसे रजिस्टर में नंबरिंग दिए जाते हैं, अगर इसमें कोई भी तरह का मैनिपुलेशन होता है इन एनी मैनर, देन दैट वुड मीन दैट देर इज मटीरियल ऑल्टरेशन एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल फॉर फॉर्जरी, चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। So all these sections under the Indian Penal Code 1860 would be made applicable to the managing committee in case there is any alteration in the nomination form or in the register of the nomination as provided in the record of the society. Ab society ka secretary kya karega? He records the continuing and the unique serial number of the nomination register on the first and second copy of the original nomination form. Uske baad secretary further records the resolution member date from the managing company minute book plus society's rubber stamp, secretary ka signature aur first and second copy of the original nomination form, isko sabko update karega nomination register mein. Uske baad obtains the member signature on the first original nomination form and returns the second original nomination form to the member who has made the nomination for his record and preservation purpose. So, क्या होता है, तीन फॉर्म आते हैं सोसाइटी के पास। फर्स्ट टू फॉर्म सेक्रेटरी रिटर्न करता है, थर्ड फॉर्म साइन करके रिटर्न करता है। उसके बाद ये दो फॉर्म मीटिंग में पुटअप होते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन रजिस्टर में अपडेट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उस पर सीरियल नंबर वगैरह से एंट्री होती है और रजिस्टर रबर स्टैम्प वगैरह सोसाइटी का होने के बाद, वो सब सेक्रेटरी का सिग्नेचर होने के बाद वो कॉपी में से सेक्रेटरी क्या करता है, फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी अपने पास रिटेन एंड रिटर्न द सेकेंड कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी सोसाइटी अपने रिकॉर्ड के लिए रिटेन करता है और सेकेंड कॉपी ओरिजिनल मेंबर को वापस रिटर्न कर देता है फॉर हिज प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड। और ये जो फर्स्ट कॉपी है इट इज परमानेंटली ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पज एंड इट इज अटमोस्ट इन अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल भी डॉक्यूमेंट होता है और कॉन्फिडेंस में सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जाता है। और ये सारा प्रोसीजर होने के लिए टाइम का जो शेड्यूल है वो है 2 महीने। 2 महीने के अंदर सोसाइटी को और मेंबर को ये सारी प्रोसीजर पूरी करनी होती है। फेलियर ऑफ विच द सोसाइटी एंड द सेक्रेटरी बिकम लायबल फॉर नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट and all the managing committee members for the collectively liable under criminal laws. मतलब 2 महीने के अंदर ये nomination process अगर society complete नहीं करती है तो they are liable under the consumer protection act for deficiency in services as well as under the criminal laws for prosecution. ये जो nomination register है और वो जो original nomination form है is preserved long, lifelong in the society's record, failure of which would imply and invite criminal prosecution subject to certain parameters. मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस पांच जब तक कमिटी है तब तक रखो, कमिटी चेंज हो गई तो फॉर्म भी निकाल दो, जी नहीं, कमिटी आती जाती रहेगी लेकिन ये फॉर्म परमानेंटली सोसाइटी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड रहेगा। कोई भी कमिटी जो अब उसके बाद इलेक्टेड होगी ऑल्सो दे विल नॉट टैम्पर विद दीज डॉक्यूमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंटेन बाय द प्रीवियस कमिटी। द नॉमिनेशन रजिस्टर एंड नॉमिनेशन फॉर्म शैल नॉट बी म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज विदाउट द रिटन अप्रूवल ऑफ द कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, दैट टू फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ।
मतलब अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो दिस मैटर हैज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी एंड दैट टू ओनली आफ्टर फॉलोइंग अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ लॉ वुड दिस बी चेंजेस बी मेड एप्लीकेबल एज एडवाइज बाय द रजिस्ट्रार. और जो फॉर्म है, अगर चलो बाजू वाला फ्लैट ओनर जाके बोलता है कि बाबा ए वाले ने आपको नॉमिनेशन फॉर्म दिया है उसका मुझे एक फोटो कॉपी दे दो, सॉरी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म फ्रॉम द सोसाइटी रिकॉर्ड शैल नॉट बी गिवन टू एनी बडी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस फेलर ऑफ विच वुड इम्प्लाई एंड इन्वाइट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. सो ये काफी, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए. और ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और मांग लिया कि भाई हमको दे दो, इसका ही फोटो कॉपी लेते हैं मोबाइल पे. नो, इट वुड बी, अगर किसी को पता चलता है, अगर ए की नोटिस में आता है, इट इज टोटली टोटली रॉन्ग. ओके, आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज, आई जस्ट हैड अ बैड थ्रोट, आई एम सॉरी फॉर इट. अब हम लोग आते हैं कि व्हाट द सोसाइटी शुड नॉट डू. सोसाइटी का भी कुछ कर्तव्य होता है जो नॉमिनेशन फॉर्म को के सिलसिले में होता है, तो हम लोग वो देखते हैं कि सोसाइटी ने क्या करना नहीं चाहिए. द सोसाइटी इन ऑल मैनर इज बाउंड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. मतलब सोसाइटी के मेंबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना मैनेजिंग कमिटी और सोसाइटी का प्राइम कर्तव्य है हर समय और हर कीमत, बिकॉज दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दैट. अगर हम लोग किसी को इतना ट्रस्ट से रिक्रूट करते हैं कि भाई आप इस पोजीशन पे बैठो, तो उनका वही कर्तव्य होता है कि सारे मेंबर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें. पर्टेनिंग टू द डिसीज मेंबर, मतलब इवन इफ दैट मेंबर इज नॉट अलाइव, द मेंबर सपोज वो गुजर जाते हैं और उनका फ्लैट है, protecting the deceased member's property and flat is also the prime duty of the society. And the society will not make any changes in the I and J register, share certificate register, in the society records, the society bill of the deceased members, matlab jo naam pe bill jata hai usme bhi koi change nahi hoga, not to give any type of NOC to any nominee, not to record name of nominee by replacing name of the deceased member on the society records. मतलब society ऐसा नहीं कर सकती कि चलो deceased member का name निकाल दो और अभी वो नहीं रहे और nominee का name लगा दो, नहीं कर सकते. Not to allow nominee on board of managing committee, not to allow nominee to contest any vote or contest any society election, not to allow nominee to attend proposed resolution in the society's general body meeting. तो ये सब सोसाइटी हैज टू फॉलो दिस इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर. अगर सपोज बाय मिस्टेक नॉमिनी को मेंबर ऑफ द सोसाइटी बना दिया जाता है, इफ एक एक हाइपोथिकल एग्जांपल लेके, तो क्या होता है लीगली. दिस इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोर ऑर सिंस एज अ नॉमिनी राइट in the deceased property and cannot have any right in the administrative or management functions of the society. इसका मतलब क्या होता है कि अगर सोसाइटी गलती से कर भी देता है तो ये बात सोसाइटी को भूलनी नहीं चाहिए कि द नॉमिनी के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते हैं. ओके, द नॉमिनी हैज नो टाइटल ओनरशिप राइट ओवर द डिसीज टाइटल मेंबर प्रॉपर्टी फ्लैट सिंस ही इज नॉट लायबल इन एनी पॉसिबल मैनर for any civil liability or claim any option or attachment proceeding whatsoever. Society nominee apne aap ko chairman, secretary, kisi bhi administrative post ke upar bhi recruit nahi kar sakta hai. Ab hum log aate hain nomination by joint owners or joint members. Nomination by joint owners means when Mr. A and Mrs. A are the joint owners or the joint members of a cooperative housing society. So nomination kaise hota hai? A single nomination form executed by joint members and joint holders is null and void and legally not enforceable. Each joint title owner must fill a separate nomination form for his own share or ratio.
अब जब सोसाइटी में जब ज्वाइंट ओनरशिप होता है तो शेयर भी डिवाइड हो जाते हैं 50-50%, तो दोनों अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जस्ट मिनट, आई एम सॉरी। इफ देर आर टू ज्वाइंट टाइटल होल्डर्स होल्डिंग 50% शेयर रेशियो ओनरशिप प्रॉपर्टी, देन ईच ज्वाइंट टाइटल होनर शुड फिल सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म फॉर हिज ओन शेयर रेशियो, जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया। द नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड फुल्ली ओनली एंड नॉट पार्टली। हेंस अगर एक सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूटेड हुआ है ज्वाइंट ओनर से, देन नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर डेथ ऑफ बोथ द ज्वाइंट होल्डर्स। इफ वन ऑफ द ज्वाइंट होल्डर एक्सपायर्स, देन द नॉमिनेशन फॉर्म कैन नॉट बी पार्टली एग्जीक्यूटेड। सिमिलरली, सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूटेड बाय ज्वाइंट होल्डर्स कैन नॉट बी चेंज और रीफाइल्ड बाय अ सिंगल टाइटल ओनर। फॉर एग्जाम्पल एक बताते हैं, राम समझो ए और मिस्टर बी इज होल्डिंग 50% ऑफ द फ्लैट। हेंस ए एंड बी कैन नॉमिनेट ओनली फॉर हिज रेशियो ऑफ द फ्लैट ऑफ 50% शेयर। इफ मिसेस बी इज होल्डिंग 50% शेयर ऑफ द फ्लैट, देन बी कैन नॉमिनेट ओनली हर रेशियो ऑफ द 50%। ईच कैन नॉमिनेट टू हुम एवर दे विश, इवन टू यू और मी। ओके, अब सोसाइटी फॉर्म है क्या कैंसिल हो सकता है, तो अब ये शॉर्ट में हम लोग वो भी देख लेते हैं। द मैनेजिंग कमिटी बीइंग द लॉफुल बाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी अंडर द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 71 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सू म्यूटो ऑन हिज ओन रिकॉर्ड में कैंसिल अ नॉमिनेशन फॉर्म इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब किस वक्त और किस पीरियड में नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है। अगर नॉमिनेशन फॉर्म कोई मेंबर की तरफ से नहीं आया है तो कैंसिल हो सकता है। अगर नॉमिनी ने ही नॉमिनेशन फॉर्म दिया है तो है, और अगर कोई नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव फ्रॉम अ नॉन इंडिविजुअल मींस अ रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी व्हिच हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय अ रजिस्टर्ड ओनर, देन इट कैन बी कैंसिल। अब नॉमिनेशन का पर्पस क्या है, एंड में एंड रिजल्ट पे आते हैं कि नॉमिनेशन का पर्पस क्या है। नॉमिनेशन का पर्पस होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लैट ओनर इज प्रोटेक्टेड। इट मींस दैट द सोसाइटी हैज टू डिसाइड एज टू हु शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर कोई नॉमिनी है और फ्लैट ओनर नहीं रहा तो इन दैट केस हु विल पे द मेंटेनेंस चार्जेस टिल द सोसाइटी कम्स टू नो कि एक्चुअली लीगल है कौन है, कौन ये फ्लैट का एक्चुअल हकदार बनेगा। जब तक ये पता नहीं होता है तो देयर समबडी हु विल बी इन चार्ज ऑफ मेकिंग दिस पेमेंट टू द सोसाइटी। सो दैट दीज आर ऑल द रीजन दैट द नॉमिनेशन फॉर्म हैज टू बी एक्सेप्टेड। इन ऑल इफ विल गो टू सी द कंक्लूजन ऑफ व्हाट इज द रीजन ऑफ अ नॉमिनेशन फॉर्म इन कोऑपरेटिव, देयर इज नॉट मच ऑफ लीगल एंटिटी इन दिस एज फार एज पासिंग ऑन द टाइटल ओनरशिप और द डिसीज प्रॉपर्टी टू एनी बडी। इट इज ओनली एज अ लीगल एंटिटी हैविंग अ ट्रस्ट, एज अ लीगल एंटिटी हैविंग द ट्रस्ट टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, दिस नॉमिनेशन फॉर्म इज फिल। हेमंत सर, होप आई हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट, समथिंग इज मिसिंग प्लीज। You have anything more to lecture on, ma'am? Because I would like, there are some amendments to the act that has come in July 2019. After you conclude, I will explain those things. It will take about 5, 7, 10 minutes for that. If you have anything else, please go ahead. Otherwise, I will go ahead and explain Well, the sir, amended. I'll just take another 2-3 minutes or few seconds to explain the duties of the nomination member as to what is his legal duties in the event of, in case the flat owner passes away. In that case, what would be his legal duties that he has to carry out, and I'll just conclude after that. If you Thank think you, sir. that can be taken up in the question and answer session, also we can leave it to the members Sure, to sir, ask not a on. problem, sir. You can proceed. Yes, sir. It would be fine, sir. Please go ahead, sir. It would be great to hear you speak, sir.
So friends, I pass it on to Hemant sir to continue with the amendment, and later on we'll take down the question and answer session, and the whatever has been left on, we'll conclude it in that. Thank you so much for being so patient. Thank you. Okay, friends, अभी MCS Act, Maharashtra Cooperative Societies Act, जुलाई 2019 में amend हुआ है. तो फातिमा मैम ने जो जो बोला उसमें थोड़े बहुत changes किए हुए सरकार में, तो I will just brief you very very shortly along with the section numbers so that आपको section भी पता चल जाए कि क्या है. अभी section 154 B introduced हुआ है MCS Act में जुलाई 2019 में. तो उसके अंदर सेक्शन 154B1 सब सेक्शन 18 में ये डिसाइड किया है कि प्रोविशनल मेंबर जो है, मतलब नॉमिनी मेंबर को अभी प्रोविशनल मेंबर का दर्जा दिया गया है. तो अब नॉमिनी मेंबर फुल फ्लेज्ड मेंबर बन सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू इट. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये हुआ है कि एडमिट होने के बाद में प्रोविशनल मेंबर को एडमिट कर लिया प्रोसेस के साथ में. प्रोसेस मीन्स उसका फॉर्म ले लिया, उसे इंडेमनिटी बॉन्ड ले लिया वगैरह वगैरह, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में अप्रूव कर दिया. ये देखना है कि वे पुराना जो ओरिजिनल मेंबर था उसने इसी को नॉमिनेट किया है या नहीं है. इसी के नॉमिनेट किया तो वो लेटेस्ट फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है वो हर 3-3 महीने में अपना नॉमिनेशन फॉर्म अपडेट कर सकता है. देर इज नो स्टॉपिंग टू दैट. मतलब है कि जनवरी महीने में आप एक नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हो, फिर जुलाई महीने में फिर से फाइल कर सकते हो, दिसंबर महीने में फिर से फाइल कर सकते हो, दिसंबर 30 तारीख को फिर से फाइल कर सकते हो. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप कितनी बार एक नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हो. बायलॉज के हिसाब से नॉमिनेशन फाइल नया फाइल करने के टाइम पे आपको ₹100 का एक्स्ट्रा फीस देना होता है सोसाइटी को. दैट इज अंडर द बायलॉज, नथिंग इज रिफ्लेक्टेड. सेक्शन में कहीं नहीं प्रिस्क्राइब है, लेकिन बायलॉज के अंदर ये प्रिस्क्राइब है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोविजनल मेंबर यानी नॉमिनी मेंबर जिसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया गया है, बना दिया जाता है, वो एक फुल फ्लेश्ड मेंबर है. फुल फ्लेश्ड मेंबर का मतलब है अब वो हर चीज वो कर सकता है जो नॉर्मली ओरिजिनल मेंबर कर सकता था, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 points विच आई विल एक्सप्लेन. सो प्रोविजनल मेंबर कौन है? जिसको सोसाइटी ने एडमिट किया है आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर है उसके गुजर जाने के बाद में, और अगर उसने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया हुआ है तो उसे प्रोविजनल मेंबर करके एडमिट कर दिया जाता है. अब नॉमिनी का एडमिटेंस के भी कुछ रूल है सोसाइटी के अंदर, जो दर्शाया गया है, डिस्क्राइब किया गया हुआ है या बताया गया हुआ है 154 बी सबसेक्शन 7 के अंदर में. 154 बी डैश 7 के अंदर में ये लिखा हुआ है कि अगर उस पर्टिकुलर फ्लैट का, जिस फ्लैट का क्लेम वो नॉमिनी मेंबर कर रहा है, उस फ्लैट का सारे ड्यूज भरे होने चाहिए. ड्यूज मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यूज, उसका कोई भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, तो ही उसे नॉमिनेशन नॉमिनी मेंबर यानी प्रोविशनल मेंबरशिप ग्रांट हो सकता है. फिर जो नॉमिनी है प्रॉपरली एप्लीकेशन देके मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन देता है, ₹100 का फीस भरना होता है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ए मेंबरशिप एंट्रेंस फीस. और दूसरा एक और भी फीस भरना होता है जिसे कहते हैं मेंबरशिप ट्रांसफर फीस. इसमें शेयर ट्रांसफर प्रीमियम जो ₹25,000 का प्रिस्क्राइब्ड है वो भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंबरशिप एंट्रेंस फीस ₹100 वाला वो भरना है, क्योंकि आप नए मेंबर एंट्री करोगे अपने आईजे रजिस्टर में. साथ में मेंबरशिप ट्रांसफर फी, मतलब डिसीज्ड मेंबर से मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हो नॉमिनी मेंबर को यानी प्रोविजनल मेंबर को, तो ये दो फीस देने हैं. सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज पूरा करना है, और अगर वो सोसाइटी महाड़ा की जैसे सोसाइटी है या सिडको जैसी सोसाइटी है, SRA जैसे सोसाइटी, तो उनका जो कानून है उनका कानून के हिसाब से उनका NOC लेना है. सिडको का NOC लेना है या तो महाड़ा का लेना है वगैरह वगैरह, तो ही
इट ट्रांसफर हो सकता है प्रोविजनल मेंबरशिप, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर. अभी व्हाट इज द राइट ऑफ प्रोविजनल मेंबरशिप, पहले ये कानून नहीं था जो मैडम ने बताया. पहले ये कानून था कि नॉमिनी मेंबर को ट्रांसफर कर दिया तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन वगैरह वगैरह. लेकिन अब 154(b)(11) सबसेक्शन 3 में प्रोविजनल मेंबर को पूरा राइट दे दिया. मीन्स बिकॉज जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि वो एक फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाता है 154(b)(18) के अंतर्गत में, और ये 154(b)(11)(13) के अंतर्गत में प्रोविजनल मेंबर को कमिटी का इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, उसे वोट डालने का भी अधिकार है, वो मैनेजिंग कमिटी मेंबर भी बन सकता है, वो एजीएम भी अटेंड कर सकता है, एसजीएम भी अटेंड कर सकता है, मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग भी अटेंड कर सकता है. ये प्रोविजनल मेंबर को कंप्लीट राइट है टू डू ऑल एवरी एक्टिविटी दैट एन ओरिजिनल मेंबर कुड हैव डन. तो अगर ओरिजिनल मेंबर आपसे सोसाइटी के मेंबर से इस कारण से लड़ सकता है या उस कारण से लड़ सकता है या कोर्ट में मैटर फाइल कर सकता है, वो सारे अधिकार इस प्रोविजनल मेंबर को दिए गए हैं. अभी इसमें एक छोटा सा त्रुटि है, तुर्रा है, कंडीशन है कि सोसाइटी विल ट्रांसफर द शेयर टाइटल इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इन द सोसाइटी. मेंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है? मेंबर का प्रॉपर्टी उसका फ्लैट है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में जाता है. लेकिन जब यहाँ पे ये वाला क्लॉज आता है शेयर राइट टाइटल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज प्रॉपर्टी, तो सोसाइटी का प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? 250 रुपया वाला या 500 रुपये वाला शेयर सर्टिफिकेट, वही आपको सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है. आपका फ्लैट नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ. Provided that the society shall admit a nominee as a provisional member after death of a member till legal hires or a person who is entitled to the flat and shares in accordance with the succession law. Succession law means अलग अलग succession law है, Parsis के लिए अलग से law है, हिंदू में ही आते हैं पर फिर भी उनका छोटे मोटे अलग से law है, हिंदू succession act है, Mohammedan law है. ए बिट ऑफ डिफरेंस इन द क्रिश्चियन लॉज ऑल्सो, वो लॉ का भी ध्यान रखते हुए. अभी हिंदी में अनुवाद करने के लिए सोसाइटी नॉमिनी जिसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उसे मार्क करेगी सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में और सोसाइटी के आई रजिस्टर और जे रजिस्टर में एज उदाहरण के तौर पे अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर, सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल में अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर. ये क्यों करोगे आप? ताकि सोसाइटी को भी ये ध्यान रहे, 10 साल के बाद में ये पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली प्रोविजनल मेंबर था, भूल जाते हैं, 2-3 कमिटी भी बदली हो जाती है, 10-15 साल के बाद ये पता नहीं चलता है कि वो प्रोविजनल मेंबर था या ओरिजिनल टाइटल ओनर था. तो उस समय की जो मैनेजिंग कमिटी बोले कि हाँ अनिल शर्मा के नाम पे ये बिल आ रहा है आई रजिस्टर में, तो इसे सेल एनओसी भी दे सकते हैं. लेकिन जब प्रोविजनल मेंबर का वर्ड डालोगे तो एवरी बडी विल बी अलर्ट, सब जन होशियार रहेंगे कि आप इसे फ्लैट सेल करने के लिए नहीं देना है, इस प्रोविजनल मेंबर के नाम पे कोई भी एनओसी नहीं देना, ना पासपोर्ट के लिए देना है, ना गैस मीटर चेंज करने के लिए देना है, ना प्रॉपर्टी टैक्स का बिल चेंज करने के लिए देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल चेंज करने के लिए देना. ये सारे चीज ध्यान रखना है, इसीलिए ये प्रोविजनल मेंबर का कंडीशन डालना जरूरी है. इस पर्टिकुलर एक्ट में एक बहुत पर्टिकुलर फनी चीज लिया हुआ, बहुत मजाक की चीज लिया हुआ है. मतलब 154(b)(13) बोलता है कि मेंबरशिप नॉमिनेट किया हुआ है आपने उस व्यक्ति अनिल शर्मा को, तो उसके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर कर दो वगैरह वगैरह. लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन ने उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया ही नहीं है,
किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया है, मानो उदाहरण के तौर पे, तो कोई भी एक व्यक्ति आता है, सुरेश, सुरेश नाम का एक व्यक्ति आता है सोसाइटी में, बोलता है कि भाई मैं उस व्यक्ति का जो गुजर गया जिसका फ्लैट है, मैं उस व्यक्ति का सो एंड सो रिश्तेदार हूं, मैं उनका लड़का हूं, लड़की हूं, चाचा मामा भांजा, कुछ भी बोल सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में 154(b)(13) में ये बताया गया है, मैं रीड करता हूं अंग्रेजी में और फिर बाद में हिंदी में अनुवाद भी कर देता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ नो पर्सन हैज बीन नॉमिनेटेड, ये कानून में लिखा हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा, इट इज ए फनी सेक्शन, सोसाइटी इफ नो पर्सन हैज बीन नॉमिनेटेड, सोसाइटी शैल एडमिट सच पर्सन एज प्रोविजनल मेंबर एज मे अपियर टू द कमिटी टू बी द लीगल हायर और हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये पूरा पावर मैनेजिंग कमिटी को दे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुरेश राव है, नॉमिनेशन कोई भी नहीं, 2-4 साल निकल गए सोसाइटी में, और सुरेश राव आके क्लेम करता है कि साहब मैं इसका ये हूं, तो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को अगर ये लगता है कि भाई ये उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ये उसका वारसदार या लीगल हायर हो सकता है, तो ये नॉमिनेशन नॉमिनी जो प्रोविजनल मेंबरशिप है, उसको सोसाइटी, उस व्यक्ति को ग्रांट करने का अधिकार सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी को दे दिया हुआ इस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट इज ऑलवेज एंड हाईली रिकमेंडेड कि अपना दो चीज आप पहले तो बना लो, जैसे मेंबरशिप आपको ग्रांट होती है सोसाइटी की, शेयर सर्टिफिकेट एंडोर्स हो जाता है, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी आगे पीछे की, और अपना नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 14 तुरंत लिख के सोसाइटी को दे दो। आप हर महीने चेंज भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ताकि ये वाली जो नौबत है, ये जो फनी प्रोविजन है 154(b)(13) का, सोसाइटी नहीं कर पाए। आपको ज्ञान है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटीज दे बिहेव इन ए वेरी इरेटिक मैनर, इरेटिक मैनर मीन्स अपने मन मर्जी का करने का लगे रहते हैं, फिर वो ये कहेंगे कि भाई कानून में तो हमको अधिकार था, तो वो व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वो नीचे जो दूध वाला बैठता है या पान वाला बैठता है, वो उसके पास हमारे डिसीज मेंबर हमेशा लगे रहते थे, वो उसके घर में आते जाते रहते थे, उनका खाना पीना चलता था, तो हमें लगा कि भाई वो उसका सगा भाई होगा, तो हमें सिर्फ हमारे ख्यालात के अनुसार, मैनेजिंग कमेटी के ख्यालात के अनुसार उसको वो प्रोविजनल मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोविजनल मैनेज मेंबर मतलब अगर आप किसी कारण से आप प्रोविजनल मेंबर बनते हो, फ्लैट ओनर ने आपको कभी नॉमिनेट कर दिया और आप प्रोविजनल मेंबर बन जाते हो, तो प्रोविजनल मेंबर का लायबिलिटी क्या क्या है, दायित्व क्या क्या है, उसकी जवाबदारी क्या क्या है। प्रोविजनल मेंबर को एडमिट करने के बाद में ये नॉमिनी जो है, मानो अनिल शर्मा, तो अनिल शर्मा बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, अनिल शर्मा बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% लायबिलिटीज, लेना देना, कर्जा, ये वो जो भी कुछ है उस डिसीज मेंबर का जो गुजर गया। सो आफ्टर एडमिशन प्रोविजनल मेंबर बिकम्स, मींस द नॉमिनी बिकम्स लायबल फॉर 100% लायबिलिटीज ऑफ ओरिजिनल डिसीज मेंबर, विच उसका लायबिलिटी का क्या क्या चीज हो सकती है, सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, मानो वो आदमी गुजर गया और उसका सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है 21 लाख रुपए बाकी है, तो अब इसको भरने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी किसकी है, वो ये प्रोविजनल मेंबर का है। अगर उसने एज ए नॉमिनी प्रोविजनल मेंबर क्लेम किया, नॉमिनी हो सकता है उसका सगा लड़का भी हो, लेकिन अगर वो नॉमिनी फॉर्म के दम पर, नॉमिनी फॉर्म के बेस पे वो क्लेम करता है मेंबरशिप, अगर वो विल के दम पे करता है, वसीयत के दम पे करता है, तो वो चीज टोटली अलग है। आज हम सिर्फ नॉमिनी के बारे में बात कर, तो कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग द लीगल हायर अगर वो क्लेम करता है प्रोविजनल मेंबरशिप बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म, तो जो गुजरा हुआ व्यक्ति है, जो गुजर गया है, जो डिसीज्ड है, उसकी कोई भी लायबिलिटी हो, प्राइवेट लायबिलिटी हो,
गवर्नमेंट लाइबिलिटी हो, बैंक का लोन हो, सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, गवर्नमेंट के ड्यूज हो, गवर्नमेंट का ड्यूज इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स कुछ भी ले लो, बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स भी। तो अगर प्रोविजनल मेंबर क्लेम करता है कि भाई मैं फ्लैट में मैं प्रोविजनल मेंबर हूँ, तो उसके जितनी भी लाइबिलिटीज है गुजरे हुए व्यक्ति की, मरे हुए व्यक्ति की, वो प्रोविजनल मेंबर के गले पे आ जाती है। जैसे मैंने बताया उसका बैंक लोन है, प्रोविजनल मेंबर के गले पे आ जाएगा। प्राइवेट लोन है, मतलब अनन फनन लोगों से 10-15 लाख 50 लाख 2-4 करोड़ ले लिया, वो भी उसकी लाइबिलिटी आ जाती है। तो अगर प्रोविजनल मेंबर ये सोच के खुश होता है कि वाह मुझे तो फ्लैट मिल गया करके, ओके फाइन, अगर मिल गया है तो कोर्ट की डिग्री लेके आओ, फ्लैट को क्लेम कर लो, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का सारा लाइबिलिटीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ही होगा। एक बहुत फनी चीज और है कि इवन दो यू आर ए नॉमिनी, इवन दो यू आर ए प्रोविजनल मेंबर, यू डिराइव नो राइट, नो लीगल राइट टू स्टे इन द फ्लैट ऑफ द डिसीज। कानून ये चीज कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है। कानून बोलता है ठीक है प्रोविजनल मेंबर बने हो, ये कर लो वो कर लो, प्रोविजनल मेंबर हम आपको इसके लिए बना रहे ताकि सोसाइटी का जो लेन देन है, लेना देना जो है, सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल का देना जो है, वो किसके ऊपर हम फिक्स करना चाहेंगे। तो कानून ने एक प्रोविजन बना दिया कि चलो भाई नॉमिनी को अटकाओ, एक पर एक एक तो आदमी को लेके आओ जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर नॉमिनी सामने से खुश होकर आता और बोलता मैं तो नॉमिनी हो गया, मैं तो फ्लैट का ओनर हो गया वगैरह वगैरह, पर कानून में ये कोई भी प्रोविजन नहीं है कि नॉमिनी को मरे हुए आदमी के फ्लैट में रहने का अधिकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे नॉमिनी बगल का नीचे जो खड़ा है ना पान वाला, जो आप जिससे आप कभी कभी पान वगैरह लेते हो, पान खाने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि वो जो अनिल शर्मा है ओनर ऑफ द फ्लैट, वो पान वाले के पास जा जाके 2500 साल से जा रहा है, उसका दिल का रिश्ता बन गया हो, कोई भी उसको नॉमिनी कर दिया उसने, कुछ कारण से लोग बहक भी जाते हैं नॉमिनी करते हैं, लेकिन अनिल शर्मा की खुद की बीवी भी है, खुद के बच्चे भी हैं, सब कोई है, जिनका पहले अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उनका पहला अधिकार है उस फ्लैट में रहने का, उनको उस फ्लैट से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। हैंस अनिल शर्मा के गुजरने के बाद में अगर वो पान वाला आके सोसाइटी में बोलता है कि भाई ये देखो ये नॉमिनेशन का फॉर्म है, तो मेरे फेवर में नॉमिनी, मुझे नॉमिनी बनाओ, सोसाइटी उसको प्रोविजनल मेंबर बना देती है। अब वो प्रोविजनल मेंबर जाता है उस फ्लैट नंबर 101 में और उसकी बीवी और बच्चे को बोलता है चलो भाई बाहर निकलो, मैं नॉमिनी हूँ इस फ्लैट का। ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कानून में उस प्रकार का अधिकार दिया नहीं है। तो नॉमिनी हैज नो राइट टू स्टे इन द फ्लैट ऑफ डिसीज्ड मेंबर, मरे हुए व्यक्ति के फ्लैट में रहने का अधिकार नॉमिनी को बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, सोसाइटी नॉमिनल नॉमिनी मेंबर को प्रोविजनल मेंबर देने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेंटेनेंस ड्यूज बाकी है क्या, भर दो फिर हम आपको दे देंगे हमें प्रोविजनल मेंबरशिप। भाई वो ओरिजिनल मेंबर ने फ्लैट तो मॉर्गेज कर रखा था और सोसाइटी ने अंडरटेकिंग दिया है मॉर्गेजी को, बैंक को, कि भाई लेंडर को कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इस चीज़ के बगैर। तो अभी इन प्रोविजनल मेंबर आ गया और मेंबर का मॉर्गेज बाकी है, तो क्या सोसाइटी नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकती है? नहीं सर, वो नहीं कर सकती। सो इफ द ओरिजिनल मेंबर वॉज डिसक्वालिफाइड और डिबार्ड और फेस्ड चार्जेस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, then the provisional member also becomes liable and also becomes debarred from contesting election. अगर original member ये सब चीजों में debarred है, मानो section 75 में उसको debar कर दिया है 5 साल के लिए, है ना? Section 75 में provision है, section 76 में भी है, section 82 में भी है, 88 में भी है, कुछ कुछ section में provision है कि भाई आपको वो debar कर सकता है DR के order के अनुसार। So अगर वो original member debarred है अनिल शर्मा, तो उसका नॉमिनी यानी प्रोविजनल मेंबर भी डिबार्ड होता है, बिकॉज प्रोविजनल मेंबर इज ओनली ए ट्रस्टी, उसका प्रतिनिधि है,
तो प्रतिनिधि को अपना खुद का अधिकार या राइट्स नहीं होता, उसका राइट्स और अधिकार उस ओरिजिनल मेंबर के दम पे आपको मिलता है। तो ओरिजिनल मेंबर डिबार्ड है, आपने आपको आप कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, एमसी मेंबर भी नहीं बन सकते और कोऑप्टेड भी नहीं हो सकते हो। अगर प्रोविजनल ओरिजिनल मेंबर का मॉर्गेज है तो भी आपको प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं मिल सकता, आपको उस बैंक से एनओसी लेके आना। और बैंक अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मेरा पर्सनल तजुर्बा है, इतने सोसाइटीज को देखता हूँ मैं, कोई भी बैंक आपको प्रोविजनल मेंबर के लिए एनओसी नहीं देगा। बोलेगा पहले हमारा ड्यूज क्लियर करो, फिर प्रोविजनल मेंबर बनो या नॉमिनी मेंबर बनो या ये नंबर मेंबर बनो वो मेंबर बनो, कुछ भी करो, पहले मेरा पैसा दे दो फिर आगे की बात बात होगी। जैसे फतिमा मैम ने बताया, एनओसी कैन बी गिवन ओनली टू फ्लैट ओनर। अनिल शर्मा फ्लैट ओनर था, उसके पास सेल डीड था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो फ्लैट मालिक था, इसके लिए उसको कोई भी प्रकार का एनओसी दिया जा सकता था। पर प्रोविजनल मेंबर के नाम पे को उस फ्लैट का सेल डीड नहीं है, उसके पास में उस फ्लैट का मालकाना हक नहीं है, इसके लिए उसे कोई भी प्रकार का एनओसी नहीं दिया जा सकता। तो ये जुलाई 2019 के कानून का थोड़ा बहुत चेंजेस था। जो फातिमा मैडम ने बताया वो उसके पहले का सारा बताया, और जो चेंजेस हैं हमने अभी उसका आपको डीपली खुलासा किया। अभी हमारे पास में थोड़ा वक्त है आपके क्वेश्चन आंसर लेने का, तो फातिमा मैम कैन वी टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स। यस सर, थैंक यू सर फॉर डिस्कसिंग द अमेंडमेंट्स एज वेल। यस, आई डिड नॉट स्टॉप यू एट दैट मोमेंट बिकॉज you were referring to the old provisions of the act as we had discussed, so the new provision had to be separately mentioned so that yes, our sir. friends knew know ki purana ye kanun tha, kyunki kafi log purane kanun se abhi bhi chale ja rahe hain, wo yehi sochte hain ki bhai main nominee hu to main flat ka malik ho gaya ji sir, hai na, to wo differentiate karna zaruri tha, iske liye aapne wo purana bataya, maine aapko toka bhi nahi, और हमने जैसे डिसाइड किया था कि आई विल एक्सप्लेन द न्यू प्रोविजंस सो दैट दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर कट हो सके। ओके मैम, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन बाय उमा श्रीनिवासन, व्हाट इफ द नॉमिनी इज द लीगल हायर, यू वुड लाइक टू आंसर दिस मैम और शुड आई आंसर इट? फातिमा मैम, यस सर, यस सर, यू कैन आंसर इट प्लीज, नो वरीज। उमा श्रीनिवासन का जो प्रश्न है, व्हाट इफ द नॉमिनी इज ए लीगल है, अगर आपको सोसाइटी का मेंबरशिप क्लेम करना है या प्रॉपर्टी क्लेम करना है तो आपके पास में आप दो तरीके से, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो नॉमिनी के माध्यम से आपका नॉमिनेशन डिसीज्ड का मृतक का नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी में मौजूद होना चाहिए तो आप प्रोविजनल मेंबर का क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपको मेंबरशिप के सारे राइट्स मिलेंगे लेकिन ओनर के राइट्स बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। मतलब क्या है कि प्रोविजनल मेंबर उस फ्लैट के ऊपर लोन नहीं ले सकता, प्रोविजनल मेंबर उस फ्लैट को लीव एंड लाइसेंस पे नहीं दे सकता। लीव एंड लाइसेंस पे कौन दे सकता है? सिर्फ मालिक दे सकता है, प्रॉपर्टी का मालिक दे सकता है, प्रोविजनल मेंबर मालिक नहीं है, इसके लिए उसके राइट्स बहुत लिमिटेड कर दिया गया हुआ है। और अगर आपने लीगल हायर के हैसियत से सोसाइटी में अप्लाई किया, तो लीगल हायर के हैसियत से अगर अप्लाई करना है तो आपका कोर्ट का डिग्री लाना है। अगर विल मृतक छोड़ के गया है, मृतक अगर विल छोड़ के गया है तो आपको, और प्रॉपर्टी अगर मुंबई में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है, तो इन तीन जगह में इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2013 के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट से, मुंबई हाई कोर्ट के टेस्टामेंटरी डिवीजन से आपको प्रोबेट लेके आना है। और किसी कारणवश अगर विल नहीं है तो आपको टेस्टामेंटरी, मुंबई हाई कोर्ट के टेस्टामेंटरी डिवीजन से
आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना, तो आप क्लेम कर सकते हो उस फ्लैट का मालकाना हक एज वेल एज मेंबरशिप हक। फ्लैट का मेंबरशिप हक एक टोटली अलग चीज है और फ्लैट का मेंबरशिप टोटली अलग चीज है। तो अगर आपने नॉमिनी के बेस पे क्लेम किया तो आपके हक अलग होंगे, अगर आपने लीगल हायर के बेस पे किया तो डॉक्यूमेंट्री प्रोसीडिंग्स और हक अलग होंगे। श्रीकांत हांडा साहब का एक प्रश्न है, थर्ड कॉपी जो दिया था उसका क्या होता है एट द एंड ऑफ फुल प्रोसेस? टिपिकली हम तीन कॉपी देते हैं, वन ओरिजिनल कॉपी जो सोसाइटी के नॉमिनेशन फाइल में हमेशा परमानेंटली रहेगा वहां पे, और उसका रिकॉर्ड दर्ज होगा नॉमिनेशन रजिस्टर में, है ना। सोसाइटी में जैसे आई रजिस्टर है वैसे सोसाइटी में नॉमिनेशन रजिस्टर भी रखना कंपलसरी है। तो नॉमिनेशन रजिस्टर का एंट्रीज वगैरह इस फॉर्म नंबर वन में रहेगा, जो प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट करने के समय ये फॉर्म नंबर वन चेक करा जाएगा। फॉर्म नंबर टू पे आपको एंडोर्समेंट करके आपको दे दिया जाएगा। जब आप प्रोविजनल मेंबरशिप क्लेम करोगे तो ये फॉर्म नंबर टू आप एज ए नॉमिनी सोसाइटी में दोगे फोटोकॉपी और प्रोविजनल मेंबरशिप क्लेम करोगे। थर्ड इज ओनली फॉर योर रिकॉर्ड कि आपने कभी दिया था उस चीज को। अगर आपका ये ओरिजिनल सेकेंड कॉपी गुम हो जाता है और किसी कारणवश थर्ड कॉपी मौजूद है तो आप सोसाइटी को ये कह सकते हो कि सर मैंने नॉमिनी हमारे अनिल शर्मा जो डिसीज्ड फ्लैट ओनर है उन्होंने आपको नॉमिनी के लिए अप्लाई किया हुआ, ये उसकी कॉपी है, आप अपने रिकॉर्ड में चेक कर लो कि नॉमिनेशन दर्ज है या नहीं है। सो ये तीन कॉपी का महत्व ये आता है। किशोर समतानी, नॉमिनेटेड पर्सन कैन फाइल नॉमिनेशन फॉर्म, प्लीज हाईलाइट। अब नॉमिनेशन का फॉर्म कौन फाइल कर सकता है, मुख्य प्रश्न ये है और मुख्य आंसर ये है कि फ्लैट का जो टाइटल ओनर है, मालकाना हक जिसके पास में है, सिर्फ और सिर्फ वही नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकता है। नॉमिनेशन नॉमिनेटेड मतलब एक आदमी नॉमिनेशन के दम पे आया सोसाइटी में मृतक की जगह पे, तो वो नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉमिनी है, वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक चौकीदार है, वो एक ट्रस्टी है उस फ्लैट का, और ट्रस्टी को अधिकार नहीं है उस फ्लैट के ऊपर कोई भी नॉमिनेशन फाइल करने का। नॉमिनी कैनॉट सेल द फ्लैट, नॉमिनी कैनॉट नॉमिनेट द फ्लैट, नॉमिनी कैनॉट गिव द फ्लैट ऑन लीव एंड लाइसेंस बेसिस। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। नॉमिनेट कैनॉट मॉर्गेज द फ्लैट, उसको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ये करता है तो इंडियन पेनल कोड के अनुसार वो गुनहगार हो जाता है और वो सजा का हकदार हो जाता है। प्रकाश गंगावनी, कैन द नॉमिनी मेंबर आस्क फॉर द कॉपी ऑफ द नॉमिनी फॉर्म इन रिकॉर्ड? नॉमिनी मेंबर को कोई भी अधिकार नहीं है टिल ही बिकम्स ए प्रोविजनल मेंबर। और मानो अनिल शर्मा जो मृतक है उसने नॉमिनी कर दिया हुआ है और वो पान वाला बोलता है मुझे ध्यान है कि मुझे इसने मुझे नॉमिनी किया हुआ है, और वो सोसाइटी में जाके ये बोलता है कि सर मुझे नॉमिनी किया हुआ है लेकिन मेरे पास कॉपी नहीं है, मुझे उसका कॉपी दे दो, तो मैनेजिंग कमिटी उस व्यक्ति को मृतक का रिकॉर्ड नहीं दे सकता। वो मृतक का रिकॉर्ड सोसाइटी के किसी भी मेंबर को नहीं दे सकता, ना तो वो सेक्शन 32 में जो अभी सेक्शन नया बना हुआ है जिसमें मेंबर डॉक्यूमेंट सोसाइटी का पूछ सकता है, बिल्कुल भी नहीं मांग सकता। वो प्रिवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, वो नहीं दिया जा सकता। आप सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हो, किसी मेंबर के प्राइवेट डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते। सोसाइटी का डॉक्यूमेंट क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, मैनेजिंग कमिटी के मिनट्स हो गई, सारे आई रजिस्टर जे रजिस्टर वगैरह वगैरह हो सकते हैं, नॉमिनेशन रजिस्टर को छोड़ के। ओके, आप हर चीज में अपनी उंगली नहीं घुसेड़ सकते, बोलो मुझे को ये भी हक है मेरे को चाहिए करके, नहीं सर। मुंबई की भाषा में उसे हम कहते हैं
खुजली करना, उंगली करना, दिस वाज ऑल दोस थिंग्स आर नॉट अलाउड. जोर जबरदस्ती से आप कर लो तो भी रजिस्ट्रार के पास में ये अधिकार नहीं है सोसाइटी को बोलने के लिए कि थर्ड पार्टी का नॉमिनेशन फॉर्म इस व्यक्ति को दे दो. नहीं सर, वो नहीं. अफजल मोहम्मद साहब का एक प्रश्न है. ए मेंबर मेंबर्स फ्लैट इज ऑन रेंट अपॉन हिज डिमाइज, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द लाइसेंसी? What would be the status of the licensee? मतलब भाड़ी करो, live and license tenant. Also, the legal hires can continue receiving the rents. Yes, sir. अगर एक flat मालिक का flat उसके signature में rent पे दे देता है, तो उसके legal hire जितने भी है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, class one के जितने भी legal hire हैं, वो bound to है उस मृतक या उस अपने पिता के डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट जो किया वो उसको कंप्लाई करने के लिए, उसे लीगली इन्फोर्स बनाए रखने के लिए. वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने दिया होगा तुमको लीव एंड लाइसेंस कार्ड, मेरे पिताजी ने तुमसे डिपॉजिट लिया होगा, यू गेट आउट, मैं तुमको नहीं रिकग्नाइज करता. ये कानून में प्रोविजन नहीं है. अगर आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहते हो तो पिताजी के जो भी लाइबिलिटीज हैं, लेना देना, कर्जा, ये वो सारा कुछ, वो भी आपको ऑनर करना है. और अगर पिताजी के एसेट्स मतलब फ्लैट को अगर क्लेम करोगे तो उसका कर्जा भी आपके गले पे ही आएगा. मोहम्मद अफजल साहब का एक और प्रश्न है. व्हाट इफ मेंबर होल्ड्स 85% एंड अनदर मेंबर होल्ड्स 15%? अफजल साहब, ये 85% और 50% इज एप्लीकेबल ओनली टू टाइटल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी. मेंबरशिप इक्वल 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 है. अगर चार मेंबर हैं तो हर का मेंबर इक्वल है. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसका 25% है, उसका 35% है. सोसाइटी में मेंबरशिप का प्रतिशत मात्रा नहीं दिया हुआ. प्रतिशत मात्रा सिर्फ प्रॉपर्टी पे होता है, इमूवेबल व मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है. कैन नॉमिनी बी जॉइंट होल्डर? नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो. मतलब फ्लैट है अनिल शर्मा के नाम पे और सुनील शर्मा के नाम पे, दोनों भाई भाई हैं मानो. तो अनिल शर्मा अपने 50% का हिस्सा, उसका 50% का फ्लैट है, 1 रुपए में से 50 पैसा अनिल शर्मा का है और 50 पैसा टाइटल ओनरशिप सुनील शर्मा का है. तो अपने 50% का हिस्सा का वो नॉमिनी किसी को भी बना सकता है. जैसे मैंने बताया, वो दूध वाले को भी बना सकता है, वो पान वाले को भी बना सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बना सकता है, वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को भी बना सकता है, वो अपने सेकंड इलीगल वाइफ को भी बना सकता है, वो अपने सारे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट बच्चे को भी बना सकता है, आपको मुझे किसी को भी बना सकता है. उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कानून में, ये कोई बंदिश नहीं है इस समय कि नॉमिनी आप सिर्फ फैमिली मेंबर को बना सकते हो. ये जो फैमिली मेंबर को कुछ चीजें बनाने का प्रोविजन एसोसिएट मेंबर में दिया हुआ है. एमेंडेड एक्ट में ये बताया गया है कि आप इन सेंस फ्लैट ओनर, इसको एसोसिएट मेंबर बनाना है. तो एसोसिएट मेंबर आप किसको बना सकते हो? बोला भाई, 4-5 कैटेगरी को बना सकते हैं. माँ बाप को बना सकते हैं, बीवी को बना सकते हो, बहन को बना सकते हो, भाई को बना सकते हो, बच्चों को बना सकते हो. लेकिन ये क्राइटेरिया नॉमिनी के लिए अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है. तो नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो. सिमिलरली आपको ज्ञान होना चाहिए कि वसीयत भी आप किसी को भी बना सकते हो, किसी की भी फेवर में वसीयत बना सकते हो. आप मेरे फेवर में बना दो, इसके फेवर में बना दो, उसके फेवर में बना दो, कोई एनजीओ के फेवर में बना दो, कोई ट्रस्ट के फेवर में बना दो, कोई चैरिटी के फेवर में बना दो, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के फेवर में बना दो. वसीयत आप किसी के भी फेवर में बना सकते हो. श्रेयाशी श्रीवास्तव का एक प्रश्न है.
can nominee attend AGM instead of original member when original member is still alive? If original member relinquishes his or her right to attend AGM through power of attorney, if not POA, then what other document can be used by original member to relinquish such right? जैसे मैंने बताया कि जब तक ओरिजिनल मेंबर अलाइव है उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो सकता. सो इन अदर वर्ड्स ओरिजिनल मेंबर को मरना है ताकि उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक्टिवेट हो, ताकि वो सोसाइटी देखे कि हाँ भाई अनिल मेंबर, अनिल शर्मा ओरिजिनल मेंबर था, वो गुजर गया, अब उसका फॉर्म एक्टिवेट करेंगे तो उसका फॉर्म किसके फेवर में गया हुआ है? वो सुरेश शर्मा के फेवर में गया हुआ है, तो उसके नाम पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं. तब तक नॉमिनी को कोई भी अधिकार नहीं है. कोई भी मींस कोई भी अधिकार नहीं है. पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया हुआ है अंडर दिस एमसीएस एक्ट, दैट मींस द एमसीएस बायलॉज. अभी इनका नेक्स्ट प्रश्न इंटरेस्टिंग है. इफ नॉट पीओए देन व्हाट अदर डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड बाय ओरिजिनल मेंबर टू रिलिंक्विश सच राइट? तो अमेंडमेंट एक्ट में 2019 जुलाई अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन दिया गया है एसोसिएट मेंबर का. तो आप एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भरो, शायद फॉर्म नंबर 7 है, 100 रुपए का एक चेक लगा दो, सोसाइटी को दे दो, बोलो भाई मैं इस कृपाल सिंह को एसोसिएट मेंबर बना रहा हूं. कृपाल सिंह उसका कोई तो भी रिलेशन है. अब जैसे मैंने 2 मिनट पहले बताया कि एसोसिएट मेंबर सिर्फ उसी को बना सकते हो जो आपके क्लास 1 लीगल हायर के कैटेगरी में आते हैं. जैसे मैंने बताया माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे. अब चूंकि कृपाल सिंह उसका कोई भी नहीं लगता था, इसके लिए वो एसोसिएट मेंबर फॉर्म नल एंड वॉइड हो जाता है. लेकिन अगर उसने अपने बेटे को नॉमिनेट किया होता, एसोसिएट मेंबर बनाया होता, तो वो अपने सारे राइट्स एग्जीक्यूट कर सकता था, इंक्लूडिंग कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड इंक्लूडिंग बिकमिंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर. लेकिन एसोसिएट मेंबर के भी लिमिटेड राइट्स हैं. वो फ्लैट बेच नहीं सकता, वो फ्लैट भाड़े पे नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो मालिक नहीं है फ्लैट का. ओके उमा श्रीनिवासन का एक प्रश्न है, हाउ डज द फ्लैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू लीगल हायर इफ नॉमिनी इज जस्ट ए ट्रस्टी, व्हाट स्टेप्स नेक्स्ट? लीगल हायर को ट्रांसफर करने के लिए 2 तरीका है बॉम्बे जैसे शहर में या कहीं पर भी. या तो वसीयत हो आपके पास में, और अगर डिस्प्यूट नहीं है तो सिविल कोर्ट से, लोकल कोर्ट हो गए अगर पुणे के हैं या कोई भी है तो सिविल कोर्ट जज के, जज कोर्ट में जाके आप अपना उसका प्रोबेट ला सकते हो. बड़े शहर में हो जैसे बॉम्बे में हो या मद्रास में हो या कलकत्ता में हो तो आप वहां पे प्रोबेट लेके आ सकते हो. वसीयत नहीं है अगर तो अर्जी दे दो, क्लेम करो फ्लैट के ऊपर, बोलो कि मैं ये उनका फला फला रिश्तेदार हूँ, मेरे पास इस तरीके से अधिकार आता है इस फ्लैट को क्लेम करने, और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टामेंटरी डिवीजन से आप लेके आ सकते हो. ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लेकिन सारा कुछ सारांश इसके अंदर आ गया. किंजल हरिया, कैन HUF नॉमिनेट समवन? आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि HUF इज नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन. HUF इज क्लासिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो एज एन एंटिटी. तो अगर प्रॉपर्टी HUF के नाम पे है तो HUF के रूल्स, उनके जो बाय, उनके जो आर्टिकल्स और एसोसिएशन बने होंगे HUF में, उस प्रकार से वो प्रॉपर्टी आगे फ्यूचर में जाएगी. तो HUF अगर डिसॉल्व होता है या HUF का कर्ता अगर गुजर जाता है तो HUF का जो नया कर्ता आता है वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन नॉमिनेशन ए लीगल एंटिटी कैनॉट डू. पार्टनरशिप फर्म है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, वगैरह वगैरह, इनको नॉमिनेट करने का अधिकार नहीं है. इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर्टी
ट्रांसफर होती रहेगी। मान उदाहरण के तौर पे एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी मरती नहीं है कभी भी, ठीक है, उसे डिसॉल्व करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के अंदर में या कोई भी जो भी एलएलपी के कानून में होगा या ओपीसी वन पर्सन कंपनी के कानून में होगा वगैरह वगैरह। तो कंपनी का डायरेक्टर अगर गुजर जाता है तो नया डायरेक्टर आता है, नया डायरेक्टर के गुजरता है तो उसके नया डायरेक्टर आता है, तो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही हमेशा बनी रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी डायरेक्टर्स वगैरह आप अदली बदली कर लो उसके अंदर, तो नॉमिनेशन वहां से पॉसिबल नहीं है। मिस्टर प्रणव बस्तावाला हैज ए क्वेश्चन, टू ब्रदर्स आर ओनर ऑफ फ्लैट, वन ब्रदर अनमैरिड डाइड इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब है वसीयत बनाए बगैर, उसको इंटरस्टेट बोलते हैं, एंड द अदर ब्रदर मेक्स हिज डॉटर नॉमिनी इन हिज प्लेस। दो भाई हैं, एक ब्रदर अनमैरिड था गुजर गया, दूसरा ब्रदर उसके खुद के डॉटर, बिकॉज वो तो अनमैरिड था, उसके खुद के डॉटर को नॉमिनी करता है खुद के 50% हिस्से के लिए। नाउ फादर एंड डॉटर वांट्स टू सेल फ्लैट, एनी इम्प्लीकेशंस? दो ब्रदर हैं, इसका 50% है प्रॉपर्टी में, इसका 50% है प्रॉपर्टी में, आधा आधा है, दोनों अलग अलग है। इसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसके वारिसदार लेना बेचना, रेंट पे उठाना, मॉर्गेज वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ये वाला भाई को कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि वो पहले बिगर विल का गया, आपने खुद कहा कि इंटेस्टेट है, बिगर विल का गया भाई, अचानक ही गुजर गया एक्सीडेंट में, इसमें उसमें वगैरह, तो उसने अपने प्रॉपर्टी का किसी को भी वारिसदार वसीयत नहीं बनाया भाई। तो ये वाला ब्रदर इसकी प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं कर सकता, हेंस ये ब्रदर इसके 50% को बेच भी नहीं सकता। अब तरीका है क्या करना है, उसको हाईकोर्ट जाके लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना, ये क्लेम करते हुए कि मेरा भाई था लेकिन उसके कोई भी वारिसदार नहीं था, मैं उसका वारिसदार हूँ लेकिन उसके खुद की बीवी नहीं थी क्योंकि अनमैरिड था, उसके खुद के बच्चे नहीं थे क्योंकि वो अनमैरिड था, इसीलिए इसका प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुझे दिया जाए, जो भी कुछ करना है मैं करूँगा। तो उसे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हाईकोर्ट से लाके उस प्रॉपर्टी का जो लेना देना है वो सारा कुछ कर सकता है। सुधीर दीवान साहब का एक प्रश्न है, आफ्टर ए नॉमिनी हैज बीन मेड ए मेंबर फॉर हाउ लॉन्ग डज ही रिमेन ए प्रोविजनल मेंबर? ओके, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, हाउ लॉन्ग? प्रोविजनल मेंबर इज ए नॉमिनी अल्टीमेटली। नॉमिनी को अगर ये पता चलता है कि अनिल शर्मा के ये बीवी है, ये दो बच्चे हैं उसके, तो उसका कानूनी दायित्व ये है कि उस प्रॉपर्टी को उसके नोटिस देके उसके प्रॉपर्टी को हैंडओवर कर दिया जाए करे और नॉमिनी का हक क्लेम ना करे। ओके, बिकॉज इस प्रॉपर्टी का हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बीवी बच्चा बच्चा का ही हक है, नॉमिनी का कोई हक नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का लीगल हायर का कोई अता पता नहीं है, जब तक अता पता नहीं है तब तक वो प्रोविजनल मेंबर का हैसियत से उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता, भाड़े पे नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब भाड़े पे नहीं उठा सकता तो प्रोविजनल मेंबर उस फ्लैट का सोसाइटी मेंटेनेंस कहां से दे? कानून में इसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, कानून बोलता है वो तुम देखो, तुमने इंटरेस्ट दिखाया ना प्रोविजनल मेंबर बनने का, अब तुमको ये सारी चीज करना है। कुछ कुछ लूप होल्स कानून में छोड़े हुए हैं जो मैं खुलासे के रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूं। किंजल हरिया साहब का प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी मैं भी रिपीट कर देता हूं। कैन प्रोविजनल मेंबर नॉमिनेट थर्ड पार्टी? प्रोविजनल मेंबर हैज नो कैपेसिटी, नो लीगल ज्यूरिसडिक्शन टू नॉमिनेट एनी डैम बॉडी, किसी को भी नहीं कर सकते, उसको कोई अधिकार नहीं है। मोहम्मद अफजल मोहम्मद साहब का प्रश्न है, इफ ए ज्वाइंट ओनर हस्बैंड एंड वाइफ सबमिट ईच अदर एज नॉमिनी, हाउ डज इट वर्क? प्रॉपर्टी के दो हिस्से हैं, हस्बैंड का है वाइफ का है, 50% + 50%। हस्बैंड बोलता है मेरा 50% का हिस्सा का नॉमिनी मैं अपनी बीवी को कर देता हूं,
बेनिफिशियरी का नाम, नॉमिनी बेनिफिशियरी का नाम वो अपने बीवी का डाल सकता है। सिमिलरली बीवी पत्नी अपने पति का भी नाम डाल सकता है। साइमल्टेनियसली कोई भी नाम किसी को भी कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। केडी सिंह का एक प्रश्न है, बट इट इज कंसर्निंग बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। इस आज के टॉपिक का प्रश्न नहीं है, इसीलिए हम इसे इग्नोर करेंगे इस समय। वी आर टेकिंग अप टॉपिक्स ऑफ ओनली क्वेश्चंस ऑन ओनली टुडेज टॉपिक। देयर इज अनदर क्वेश्चन बाय मिस्टर किंजल, व्हाट इफ नॉमिनी डाइज बिफोर ओनर? Can legal heir of deceased member have right after death of member? Nominee अगर flat owner के पहले गुजर जाता है, अच्छा है गुजर गया, उसका हक खत्म। ओनर को यह देखना है कि मैंने जिसको नॉमिनेट किया वो गुजर गया है, तो उसका कानूनी कर्तव्य है MCS एक्ट के दायरे के अंडर में कि वो एक नया नॉमिनी फाइल करे। अगर वो नॉमिनी फाइल नहीं करता है तो कानून में ये समझा जाएगा कि वो अपना हक छोड़ देता है, ही फॉरगोस हिज राइट टू अपॉइंट समबडी एज हिज नॉमिनी। लीगल हायर, मृतक अनिल शर्मा का लीगल हायर, वो सारे हक हैं उसके अपने पिताजी के या मृतक के प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए, लेकिन डिसीज्ड नॉमिनी को कोई हक नहीं है, आधे पैसे का भी कोई हक नहीं है। नॉमिनी को भी हक नहीं है और नॉमिनी के लीगल हायर को भी कोई हक नहीं है। श्रीकांत हांडे, What is the bylaw number of not giving NOC to anyone other than flat? सर जी, ऐसा है कि bylaw में नहीं होने के लिए bylaw में clauses नहीं दिया हुआ है। क्या क्या होना है सिर्फ उसको उसका clause दिया हुआ है। NOC किस condition पे देना है उसका provision दिया हुआ है। NOC किस किस condition पे नहीं देना है उसका discretion, उसका sole अधिकार managing committee को दिया है सेक्शन 227 के अंडर में, कि मैनेजिंग कमेटी के खुद के दिमाग से वो ये सोचता है कि इसको एनओसी देना है या नहीं देना है। तो नॉट गिविंग एनओसी का बायलॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। वाइफ लक्ष्मण राज का प्रश्न है, वाइफ इज नॉमिनी, कैन शी ऑक्यूपाई द फ्लैट? वाइफ नॉमिनी है, ठीक है, लेकिन उसके पहले, नॉमिनी होने के पहले वो एक कानूनी तौर तरीके से हक से वो उसका लीगल हायर है, क्लास वन लीगल हायर। क्लास वन लीगल हायर को मृतक के प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करने का बाय डिफॉल्ट लीगल से ही अधिकार हो जाता है, लेकिन अगर उसे बेचना है या मॉर्गेज करना है वगैरह, तो उसे अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी का टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। So wife is an automatic legal heir. She derives automatic right to occupy the flat. There is no exception to this thing. Uma Srinivasan ka next question hai. In case of joint holding, what is the stand if one holder dies? Okay, again, joint holding, pati, पत्नी, 50 रुपए 50 रुपए, ये गुजर गया, बचा कौन? सिर्फ पत्नी बची। पत्नी क्लास वन लीगल है तो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने का हक उसे कानून में अपने आप ही दिया गया है, लेकिन उस हक को ऑपरेशनलाइज करने का या कानूनी तौर पे उसे फाइनल करने का उसके लिए विल होना चाहिए और फिर प्रोबेट लाना है। विल है, विल नहीं है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना है। जब तक ये दो चीज नहीं लेकर आओगे तब तक उस फ्लैट में आप अजीवन
कब्जा कर सकते हो, रह सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे ना तो आप मॉर्गेज कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय उमेश भालेराव। सन एंड फादर आर ओनर ऑफ फ्लैट, फादर डाइड नाउ, व्हाट विल बी द प्रोसीजर नाउ फ्रॉम सोसाइटी साइड। ये सर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं क्योंकि रिपीटेड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम ऊपर देख चुके हैं। अगर पिताजी गुजर गए हैं तो फादर बेटे को पिताजी ने अगर वसीयत किया हुआ है तो कोर्ट जाके प्रोबेट लाना है, वसीयत नहीं किया हुआ है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना है। और सोसाइटी के साइड का मतलब क्या है कि दोनों तो ओनर हो ही हो, पिता भी ओनर है और बच्चा उसका बेटा भी ओनर है, तो बेटा तो अपने अधिकार सारे कर ही सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसको प्रोविजनल मेंबरशिप मेंबर बनना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज्वाइंट मेंबर है। ज्वाइंट मेंबर को भी वो सारा का सारा अधिकार है जो दूसरे ज्वाइंट मेंबर या प्राइमरी मेंबर को है। ओके, अभय जी का प्रश्न है, डू द ओल्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग नॉमिनी आफ्टर द 2020 अमेंडमेंट। सर, द अमेंडमेंट वॉज नॉट डन इन 2020, इट वॉज डन इन जुलाई 2019। और पुराने जो भी प्रोविजन है, जब अमेंड होता है कानून तो पुराने प्रोविजन सब नल एंड वॉइड हो जाते हैं, आपको नए प्रोविजन के साथ में काम करना। तो आपका प्रश्न शायद ये है कि उस समय अगर किसी को नॉमिनी बना दिया हुआ है तो आज की पोजीशन में क्या, आज की पोजीशन में वो अपने आप ही प्रोविजनल मेंबर बन जाता है, नॉमिनी के तौर पे वो और कुछ अधिकार हासिल नहीं कर सकता। सी द प्रॉब्लम इज मेनी ऑफ द सोसाइटीज मेंबर्स दे आई मीन दे फाइल देयर नॉमिनेशन फॉर्म and generally in the nomination form they one of the legal heirs is always mentioned there. So society, as per the latest provisions, the society will make that particular nominee a provisional member as per the new amendment. but in order that the provisional member itself becomes a full-fledged member of the society later on, if there are other legal heirs other than the provisional member, and if the other legal heirs give a release deed in favor of the provisional member, then the provisional member need not go can be made as a full-fledged member of the society, and he need not that letter of the expenses on letter of admission etc. can be saved. That was my query. Okay, let me address this thing. Though Fatima ma'am has already clarified, थोड़ा सा मैं और डिटेल में खुलासा कर देता हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों के लिए। अभी मानो फ्लैट दो लोगों के बीच में है, लेटर से हम ये समझते हैं कि फ्लैट हस्बैंड और वाइफ के नाम में है, ठीक है। हस्बैंड गुजर गया, वाइफ बची और उसके दो और बच्चे भी हैं, वाइफ को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया हुआ है, वाइफ तो ज्वाइंट मेंबर ही है फिर भी नॉमिनेट किया, तो उसको प्रोविजनल मेंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी ने अपने बच्चे को नॉमिनेट किया हुआ है, नॉमिनेटेड बच्चा प्रोविजनल मेंबर बन सकता है, उसको प्रोविजनल मेंबर बना दो नॉमिनेशन फॉर्म के बेस पे। लेकिन नॉमिनेटेड बच्चा भी लीगल हायर है, क्लास वन लीगल हायर है, 1, 2, 3 क्लास वन लीगल हायर है इसके जो गुजर गया। अब तीनों के, और इसने वसीयत नहीं बनाई है, शायद आपका प्रश्न यही है मेरे ख्याल से। यस 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 यस, ठीक है। अगर इसने वसीयत नहीं बनाई है और इसके प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए टिपिकली दो रूट था, एक प्रोबेट का वसीयत होती तो, और वसीयत नहीं है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक और भी क्लॉज है, लीगल हायर क्लास वन के बीच में अगर प्रॉपर सहमति है, म्यूचुअल कंसेंट है, एवरीबडी इज रेडी टू एग्जीक्यूट ए रजिस्टर्ड रिलीज डीड बिफोर द सब रजिस्ट्रार ऑफिस SRO ऑफिस विदाउट एनी
lena dena without any monetary consideration. Then release deed can be executed with the consent of all these three people of the property of या इसका पूरा प्रॉपर्टी मतलब 50 रुपया, क्योंकि सेकंड 50 रुपया तो उसकी बीवी के नाम पे है, तो ये 50 रुपया इस तीनों के बीच में 16.66% इसका बनता है, तो इसका एक्चुअली टोटल बन जाएगा 66.66%. बच्चे का रहेगा 16.66, 16.66 एंड सेकंड बच्चे का रहेगा 16.66. So all these things will have to be defined in a release deed. The internet connection is broken down. Sir, let me complete. Can everyone hear? Yes, yes. Yeah, yeah. We can hear. We can hear. There is no internet. We can hear. Absolutely, we're fine. So if there is mutual consent amongst all, then the release deed will be executed in this particular. Yes, yes. Sir, it is audible, sir. Please let us listen. No, it is very clear, sir. Please. तो जैसे मैंने बताया कि दोनों फ्लैट दो ओनर हैं, इसका भी 50% ऑलरेडी है, ये साइड में रख दो, उसका तो कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन इसका 50% का तीन हिस्सा बनेगा, 16.66 डिवाइडेड अमंग्स ऑल द थ्री पीपल. इस पर्टिकुलर चीज को आप रिलीज डीड में उतारिए, रजिस्टर करिए और ये हो सकता है. अब इसमें 16.66% ईच का हुआ, लेकिन ये दो ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, हमारा जो 16.66% हिस्सा है मेरे बाबू के, मेरे पिताजी के, मेरे फादर के प्रॉपर्टी में, वो हिस्सा मैं अपने मदर को दे रहा हूँ. That is precisely my question. Yes. Yes. So now that can be also done. So the clauses of release deed, conditions of the release deed can be modified accordingly. There should be no monetary consideration in Maharashtra. The release deed stamp duty is only 200 rupees amongst only family members and registration phase is only 200 rupees. So this is a possibility. Registration fee is 1000 rupees, no? Registration 1000 rupees. In release deed it is 200. Okay, theek hai, maybe you are right. I think in the case of release deed in Maharashtra, it is not 200 plus 200. 200 plus 200 is in gift deed. रिलीज डीड के लिए 500 है और 1000 है, 500 स्टैम्प ड्यूटी है और रजिस्ट्रेशन 1000 रुपए. इन केस ऑफ गिफ्ट डीड 200 स्टैम्प ड्यूटी है और 200 रजिस्ट्रेशन, ओनली बिटवीन क्लास 1 लीगल हाइट्स. थैंक यू सर. इस पर्टिकुलर चीज पे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए. वी हैव गॉट अनदर अबाउट 5-10 मिनट्स बिफोर वी कंक्लूड. सर कैन आई आस्क? यस प्लीज गो अहेड. सर रजिस्टर ऑफ मेंबर यानी रजिस्टर आई, उसमें मेंबर का नाम कुछ और है और रिसेंटली हमने लिस्ट ऑफ मेंबर लिया सोसाइटी से सर्टिफाइड कॉपीज, तो उसमें नाम डिफरेंट आ रहा है, हमने टैली किया दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो अभी किसका नॉमिनेशन सही गिना जावे? हमें कुछ मैनिपुलेशन लग रहा है कि कमिटी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया. रजिस्टर आई जो बहुत पुराना है उसमें अपडेट नहीं हुआ है और बाद में जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो हमने मांगा था तो उसमें नाम दूसरा रहा है, तो हमको ऐसा डाउट है कि कुछ गलत ट्रांसफर्स हुए हैं, ऐसा हमें डाउट है. तो एज अ अदर मेंबर कुछ हम इसमें कर सकते हैं? पहले तो यानी दो तीन कॉम्प्लेक्स चीज है इसमें. सर आज के मुद्दे का प्रश्न नहीं है ये, फिर भी आपके आपके प्रश्न का उत्तर ये आता है कि आप रजिस्टर भी फॉल्स है कानूनी तौर पे और लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी फॉल्स है, तो इसका इसको रेक्टिफाई करवाना है. आप रजिस्ट्रार साहब के पास में आप 89A के अंदर में अर्जी दीजिए, वो इंक्वायरी ऑफिसर आएगा, वो साथ में बैठेगा, रिकॉर्ड सारे निकालेगा, चेक करेगा जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, ट्रेस बैक करेगा और उसे रेक्टिफाई करेगा. जब तक ये नहीं होता है तब तक आपके जो नॉमिनेशन वगैरह का जो फॉर्म्स वगैरह है वो नल एंड वॉइड बना रहेगा. आई रजिस्टर इज द फाइनल एंड इररिफ्यूटेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. अगर यही फॉल्स है तो बाकी सब चीज भी फॉल्स है. 18A में इसको देने का सर, लेकिन अदर मेंबर जिसको पता है कि भैया इसमें इन लोग ने कुछ फ्रॉड करा हुआ है, दूसरे मेंबर के लिए रिलेटेड ये है, वो नॉमिनेशन करके वो फ्लैट अपने नाम पे ट्रांसफर कराने वाला है, यही एक्चुअली वही चल रहा है, इसके लिए हमें डाउट है. एज अ अदर मेंबर आई एम अवेयर दैट
कि उसने लिस्ट ऑफ मेंबर्स में अपना नाम डलवा दिया है, रजिस्टर आई में एंट्री नहीं मिल रहा है उसका, तो वो नॉमिनेशन करके अपने नाम पे जो जवाब दे दिया उसी के अनुसार काम करना है आपको। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपको डाउट है, कानून में डाउट का कोई अर्थ नहीं है, आपको उसको खुलासा करना है, आप प्रॉपर रजिस्ट्रार के पास में अर्जी दीजिए, क्योंकि सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के दायरे में ये चीज नहीं आता। वो वहाँ पे ऑफिसर भेजेगा, वो सारा खुलासा करेगा, काउंटर चेक करेगा और फिर ही आगे बढ़ेगा। ठीक है मिस्टर नेहा, यू वांट टू, नेहा करके जो भी है, दे वांटेड टू आस्क समथिंग, सम क्वेश्चन। हमारे पास एक दो क्वेश्चन के लिए और जगह है। ठीक है मिस्टर रवि शेट्टी, आप पूछिए आपका क्वेश्चन। फैमिली सेटलमेंट डीड करके एक आप बना सकते हो अपने खुद के फैमिली के सारे प्रॉपर्टीज को लेके। ये फैमिली सेटलमेंट डीड सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब सारे लोग एक सहमत हो कि ठीक है ये मेरे फैमिली के 10 प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐसे ऐसे फला फला तौर पे डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा पैसे का लेना देना इसमें हो सकता है, आप अपना हक छोड़ोगे, हक छोड़ने के एवेज में मैं आपको 100 रुपया दूंगा, 50 रुपया दूंगा, फलाना ठिकाना वगैरह, और इसको भी आपको प्रॉपरली रजिस्टर करना होता है, स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। जब तक कोई डीड रजिस्टर्ड नहीं है, जब भी आपको अगर डीड रजिस्टर करना है तो स्टैम्प ड्यूटी पहले भरा जाता है। फैमिली एग्रीमेंट कैन इट बी अमेंडेड? व्हाट डज इट मीन एग्रीमेंट कैन बी अमेंडेड? एग्रीमेंट कैन बी रेक्टिफाइड। एग्रीमेंट जैसा कि विल को अपना कोडेल कर सकते हैं, तो फैमिली एग्रीमेंट को अमेंड कर सकते हैं, आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। अमेंडमेंट का प्रोविजन नहीं है, जो शब्द यूज किया जाता है टिपिकली ऐसे मामलों में उसको रेक्टिफिकेशन, लेकिन जो मूल मुद्दा है उस डीड का वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मानो फ्लैट नंबर 401 लिखा हुआ है और हकीकत में फ्लैट नंबर है 404, तो रेक्टिफिकेशन डीड में उस पर्टिकुलर गिफ्ट का रेक्टिफिकेशन डीड या सेल का रेक्टिफिकेशन डीड या रिलीज डीड का रेक्टिफिकेशन डीड या वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें आप ये लिखो कि रेक्टिफिकेशन के अनुसार ये फ्लैट गलती से इस तरह का लिखा हुआ है, सपोर्टिंग में ये डॉक्यूमेंट ये प्रूफ है, हेंस दिस फ्लैट में बी कंसिडर्ड एज फ्लैट नंबर 404 एंड नॉट 401। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि रेक्टिफिकेशन डीड में 4 नाम हटा के हम 3 नाम करें, वो नहीं होने वाला है। ओके। अगर आपका नाम अफजल है, AFZAL, और उसमें अगर गलती से AFZHAL लिख दिया हुआ है, okay. और आपको वो चीज पसंद नहीं, आपको यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर अबाउट योर स्पेलिंग, सो यू कैन एग्जीक्यूट ए टाइटल डीड, बट इफ यू से नहीं आप अफजल मोहम्मद का नाम ही डिलीट कर देना है उस डीड से, तो okay. वो नहीं होने वाला सर, और अलग से प्रोसेस करते जाना पड़ेगा आपको। What is the stamp duty and registration? For rectification deed, it is basic, not the full stamp duty rectification. Typically, I think registration is only 1,000 rupees and stamp duty also would be 500 or 1,000 rupees. Thank you. I am talking of Mumbai. I do not know about the other states. Right. Thank you. Okay. Any anybody else? Any other question before we conclude today's session? Sir, hello. I have one question. Okay, go ahead. Hello. Sir, I have no chat mein bhi maine message dala tha ki like you know for succession certificate how much time it will take and what will be the expenses sir for getting succession the succession certificate of what you want? Succession certificate of what? Daddy matlab guzar gaye hain without nomination, और उनका जो 3 लोग है, ब्रदर है, बेटा है और 2 डॉटर्स है, और बेटे के नाम पर जो है अभी नॉमिनी के हिसाब से उन्होंने सोसाइटी में ट्रांसफर करने के लिए दिया हुआ है, तो लेकिन अभी सोसाइटी बोल रही कि पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ तो आपके सेल सर्टिफिकेट में नाम चढ़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। ओके, आपके खुलासे के लिए, दोस्तों के खुलासे के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है, दोनों चीज नल एंड वॉइड है. सक्सेशन सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज. मूवेबल का मतलब क्या हो गया, बैंक का वो एफडी हो गया, आपके शेयर हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गाड़ी हो गई, गहने हो गए, वगैरह वगैरह. ओके ओके. पर अगर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो हिल नहीं सकती है, जमीन जायदाद है, फ्लैट है वगैरह, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, उसके लिए आपको एलए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाना है या तो प्रोबेट लाना है. ओके, या फिर जो नीचे साहब ने बोला है वसीयत नहीं है तो एलए. ठीक है, तो रिलीज डेट भी चल जाएगा सर, जैसे नीतीश साहब का ये सवाल था. यस, रिलीज डेट. रजिस्ट्रेशन और अगर कुछ पैसे का लेना देना है तो उसके वैल्यूएशन के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और रजिस्ट्रेशन. एग्जैक्टली. अगर रिलीज डीड क्लास वन को छोड़ के है तो उस पर आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी और फुल रजिस्ट्रेशन लगेगा. हेलो, ये आईएनजी रजिस्टर के लिए इंस्पेक्शन के लिए 89A ना फॉर रजिस्टर, अपना रजिस्टर को इन्फॉर्म करने के लिए. हेलो, यस सर, इट इज दैट वे. पर ये आज का प्रश्न नहीं है सर जी. अभी एक आपने जिसको बोला था ना, इसके लिए मेरे को जस्ट वो 89A की सोसाइटी के इंस्पेक्शन के लिए आप 89 करवा सकते हो. ओके, नहीं आईएनजी रजिस्टर के लिए खाली. जो भी कुछ है, कोई भी इंस्पेक्शन, सारे कुछ डॉक्यूमेंट उसमें आप इंस्पेक्ट करवा सकते हो, फ्रॉम ए टू जेड, व्हिच कंसर्न्स द सोसाइटी बट व्हिच डज नॉट कंसर्न प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल मेंबर. ओके, थैंक यू. ओके, फातिमा मैम, आर यू स्टिल देयर? Yes, sir. Very much there. Okay. Concluding speech from your side, madam, before we conclude. Sure, sir. Thank you, everyone, for being present. And above all, thank you, Hemant, sir, for your valuable, knowledge sharing sessions. You take up the questions wonderfully. I did try to answer a few when you were off the network, but I'm sure the audience always would prefer you to answer. There's no second choice. ऐसा कुछ नहीं है मैम. पीपल, आप शायद पांचवी बार आए हो वेबिनार में और इतने लोग आए हैं तो आपको सुनने के लिए आए थे मैम. यू आर द स्पीकर फॉर टूडे एंड दे हैव कम टू लिसन टू यू. दे डिड कम टू लिसन टू द टॉपिक एज वेल. सो वी विल कंक्लूड टूडेज वेबिनार. And thank you everybody for participating in today's webinar. And thank you, sir. Thank you, ma'am. Advocate Fatima Fauzdar, madam, for sharing all the knowledges that you have with our friends over here. So now, with the permission of our participating friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends and friends a healthy and peaceful life forward. Once again, I will repeat, if you want to join our housing society WhatsApp group, please send an WhatsApp message to me. I'll do the needful. Thank you, everybody. And, thanks a lot. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much.